चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राण नाथ, सखी जीवन हमाराए, सखी जीवन हमाराए। श्री महामती कहे ए मोमिनो, भया चर्चा काबख, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इना तखत, लाल आगे आए बैठे इना तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, इन समय दिल में ने घर घर पड़ी खड़भड़, जिनके घर के संग थे तिने भया बड़ा डर, तिने भया बड़ा डर। दयाराम के घर में धामधनी अक्षरातीत ये बीतक का घटनाक्रम वर्णन करवा रहे हैं। कल के घटनाक्रमों को जोड़ते हुए कल हमने सबसे प्रथम 12 मोमिन सुंदर साथ की निजानंद की सच्ची राह पर सरा तोरा के सामने धर्म युद्ध के लिए क्यामत संबंधी 7 निशान एवं इमाम मेहंदी का संदेश देने के लिए कल क्या कुर्बानी की, क्या अपना सब कुछ न्योछावर इस सच्ची राह पर किया, बारह मोमिन आपस में विचार विमर्श चल रहा था, मसलत चल रही थी। तब तो बहुत सुंदर साथ की जमात एकत्रित होती थी, लेकिन ये सच्ची राह पर मरने के लिए 12 सुंदर साथ अभी क्यों तैयार हुए? और राज जी ने यहाँ जो खेल में हम सब ब्रह्मात्माओं को भेजा वो भी 12,000 ही है, और परमधाम में भी आप अलग अलग पक्षों में जब लीला के रूप में शोभा के रूप में आप देखेंगे तो वहाँ भी 12,000 महोल हवेलिया, उसके अंदर 12,000 महोल, 12,000 महोल के अंदर 12,000 मंदिर, 12,000 मंदिर के अंदर 12,000 कोठरिया, सब जगह 12, 12, 12। और यहाँ भी 12 मोमिन की बात की। वैसे तो राज्जी परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से, तारतम वाणी के माध्यम से बताते कि परमधाम में कोई ऐसा नहीं कि 12,000 ही सखिया है, ये तो यहाँ के एक बुद्धि के सीमित कार्य क्षेत्र में समझाने के लिए 12,000 का एक अंक एक हिसाब दिया। बाकी परमधाम में तो अनंत सखिया, क्योंकि एक जुल्ला भी खाली नहीं है, कोई स्थान वहाँ सब लीला रूप में अनंत है।
तो ऐसे हमारे 12 मोमिन सरा तोरा के सामने धर्म युद्ध के लिए तैयार हुए है। और कल हमने देखा कि औरंगजेब बादशाह के साथ कैसे भेंट हुई और ये मोमिन कस न पाइए कसोटी बिना, रंग देखावे कसोटी, कहने का भाव क्या है कि कसोटी रूपी कुर्बानी के बिना प्रेम की पहचान नहीं होती। आखिर में सब मोमिनों की यही पहचान है, जो कोई होवे आत्म धाम की अपने समय पर अपना साच दिखाव ही भूले नहीं अवसर। धाम धनी ने इस मोमिनों के माध्यम से हमको क्या प्रबोधित किया, हम सब सुंदर साथ को क्या सिखापन दी कि हे सुंदर साथ जी, जो होवे आत्म धाम की, अभी भी हमने पूर्व किरंतन सुना कि पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहो पहचान, तो जो परम धाम की आत्मा है उनकी क्या पहचान है, उसके अंदर क्या गुण होगे, कुट कुट कर क्या गुण भरे होगे। इस गुण के बारे में मैंने कल विस्तार से बता दिया है, लेकिन यहाँ बताया कि जैसे एक सोने को 16 बार तपाया जाता है, उसके बाद इस सोने को आकार दिया जाता है। सोने की भी परीक्षा एक होती है कि जब आकार देना होता है तो पहले तपाना, ऐसे इस जीव को ये कसौटी रूपी कुर्बानी पर तपाए बिना कैसे वो धर्म युद्ध में आगे, कैसे वो अपनी कुर्बानी में आगे, अपनी बलिदानी में आगे। और जो ये अंतिम जो प्रेम की सब मोमिनी की खेल में होते परीक्षा, ये सबकी परीक्षा है, सिर्फ 12 मोमिनों की नहीं। तो यहां बताया कि जो कोई होवे आत्म धाम की अपने समय पर, मतलब अभी समय आ गया है कुर्बानी का, ये क्यामत का आखिर का समय आया है, और बताया अपने समय पर अपना साच दिखावी, अपने अंदर जो गुण है, जो धनी की सच्ची राह पर ये तात्म ज्ञान को जो आत्मसात किया है, तो ये जो विरह की अग्नि में डूबकर प्रेम की राह पर चलकर धनी को पाने के लिए, तो उसी के अंदर ये गुण जो भरे हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ बताया कि अपना साच दिखावी, अपने समय पर, निश्चित समय पर वो भूले नहीं सर, वो क्या करेगी, ये समय को वो क्या करेगी, जीत लेगी, विजय प्राप्त कर लेगी। समय तो वैसे ही जा रहा है, लेकिन उसी समय ये अपने शरीर और संसार की ओर नहीं देखेगी, बस हर क्षण हर कदम पर वो मर फिटने के लिए तैयार होगी। उसको कहते हैं परम धाम की आत्मा, ये उसकी पहचान ही है, यही उसकी निशानी है। और आगे जब औरंगजेब बादशाह के साथ भेंट होती है, तो हमने कल देखा अंतिम कि जब औरंगजेब बादशाह ने संकेत में पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्या मेरे पास चाहत रखते हो, तब 2-3 बार ऐसे अलग अलग रूप में पूछा, और अंतिम ये भी पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई किताब है, तब मोमिनों ने बोला हाँ अभी मंगवाते हैं। सुंदरसा जी गलती वहाँ हो गई कि हम कोई प्रमाण की, ये भी गलती नहीं है, वैसे तो मूल स्वरूप ने जो दिल में लिया था, जो समय निश्चित रखा था, वही समय वो होने वाला था। लेकिन आखिर मोमिनों ने यही बताया कि हे बादशाह, हम तो बस आपके सामने एक मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम के बारे में, एक दीन इस्लाम के बारे में, एक खुदा ताला अरसे अजीम के बारे में, हम क्यामत संबंधी इमाम मेंदी आ चुके हैं, बस यही बात आपके सामने रखनी है।
बस एक संसार की कोई नाचीज कोई चीज नहीं चाहिए। और आगे आपने देखा कि मिलाप भी हुआ, लेकिन आसपास दरबारियों में जो खटपट शुरू हो गई, क्योंकि पहले से ये समय निर्धारित किया था कि क्या समय क्या होने वाला है, किस समय कौन ब्रह्मात्मा जगने वाली है, किस समय संसार का प्रलय होने वाला है, किस समय सब ब्रह्मात्मा मूल तन में जागृत होने वाली है, ये मूल स्वरूप ने पहले से निश्चित कर लिया है। तो ये समय ये नहीं हुआ। और हमने अंतिम देखा कि पाजी का पाजी, मतलब ऐसा एक दुष्ट व्यक्ति आया सिपाही के रूप में, उसने सब जांच की वास्तविकता की और पता भी चल गया, लेकिन बादशाह क्या कान भर दिया कि पता नहीं कदाचित हमारे शत्रु बनकर आए हैं, ये षड्यंत्र कोई रचा है, आप उसकी बात मत सुनिए। वहां तक और आगे हमने दयाराम भाई तक ये प्रसंग को देखा, लेकिन कल के प्रसंग को जोड़ते हुए जब शेख ये सिद्धि पोलाद कोतवाल के हवाले जब मोमिनों को किया गया, जब बादशाह ने ये आदेश दे दिया, तो सिद्धि पोलाद ने ध्यान से सुनी आगे की बात कि सिद्धि पोलाद ने जो रात को यातनाएं दी, जो मोमिनों को मार मारा, यहां लिखा है कसाला दिया। सुंदरसा जी, इस प्रसंग को जब मैं आज पढ़ रही थी, पता नहीं हम तो क्या सोच पाते इस पर, हमारा जीव का कोई इतना स्तर ही नहीं बना है कि हम इसी बात को इतनी गहराई से सोच पाए। मैंने सोचा वो स्थिति तब क्या होगी, मोमिनों को जो कसाला दिया है, कोड़े से जब मार मारा होगा, और बार बार फकीर के बारे में पूछा, मोमिन कितने सावधान हो गए होंगे, और एक बार अपने मुख से नहीं किया कि हमारे फकीर कहाँ है, और कितनी यातनाएं बैठी होगी, कितना कष्ट सहन किया। तब श्री जी को जब ये पत्र, वैसे तो ये लालदास जी ने ऐसी बहु कष्ट वाली बात को सिर्फ संकेत इशारे में लिखी। सुंदरसा जी, श्री जी कोई कोई पत्र पहुँचे अने श्री जी तभी ये बात को जाने, ऐसा थोड़ी, जिस दिल में स्वयं अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, जहाँ पांचों शक्तियाँ विराजमान है, उस दिल को जब एक सामान्य पत्र पहुँचे तब थोड़ी पता चले, वो दिल तो वहाँ पल पल, क्योंकि अक्षरातीत की नज़र हमारे पर तो पल पल है, उसको तो पता है कि हमारी मोमिन कहाँ पर है, क्या क्या उस पर घटित हो रहा है, क्या कष्ट हो रहा है, उसको तो सब, क्योंकि अभी भी मूल मिलावे से जो मूल स्वरूप के दिल में हो रहा, जो भी बात घटित हो रही है, ये सीधी परातम के दिल में आती है और परातम से आत्मा के दिल में आती है, तो ये मूल स्वरूप को क्या नहीं पता है। मतलब वहाँ श्री का दिल इतना मर्माहित हो गया और इतना दुखी हो गया, एक बार तो जबराइल जोश को आदेश दिए दिया कि हे जबराइल, एक बार बस इस ब्रह्मांड को खत्म कर दो, मेरे मोमिन संदेशवाहक के रूप में आए और आपको संदेश दिया कि इमाम मेहंदी आ चुके हैं, हमने हमारा कर्तव्य पूरा कर लिया, हमने हमारी फर्ज अदा कर ली, तुम मान जाओ, स्वीकार कर लो। सुंदरसा जी, हम तो सिर्फ बस चरण या चौपाई बस सुन लेते हैं, कभी भी हम इस चरण पर कोई गहन चिंतन के विचार भी नहीं करते, जैसे कई कसनी कसी अंग प्रेम सेवा में ना कियो भंग, हम इतना सुन लेते हैं। क्या हमने श्यामाजी स्वरूप सुंदर बाई ने क्या कसनी की 40 साल तक, इसी पर हमने कभी भी गहन चिंतन किया नहीं। मान लो कि एक दिन मैं विचार कर रही थी कि जब संबंध है मूल को, मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए, ये इंद्रावती ने बोला, ठीक है किरणतन, उसी समय आज तो हम उसी पर चलेंगे, तब तो हमारे पर घटित होगा कि धनी मेरा मूल संबंध आपके साथ है, मैं एक पल संबंध है मूल को पाँव पल छोड़ियो न जाए।
एक क्षण भी मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मतलब एक क्षण भी मैं आपका संबंध और मेरे बीच में कोई अलगाव दूरी नहीं है। सुंदर सा जी, हर क्षण ये निरंतरता कनेक्शन हमारा राज्य के दिल के साथ बंधा हुआ है। क्या यही स्थिति हमारे अंदर निरंतरता बनी रहती है? हम अंदर जाके पूछे, इतना नहीं और आगे कहो। यही प्रकरण में जो इंद्रापति पर घटित हुआ, क्या जब आह सुखी अंग थे तब श्वास भी छोड़ियो संग, ये चरण भी हम बोल लेते हैं। मैं तो अपना दे रही तुम ही राखिया जी हो, ये तो हम बोल देते। क्या उसी चरण पर हमने कभी भी चिंतन किया कि इंद्रावती छः छः मास तक कैसे विरह में डूबी होगी, क्या हार्ड मास गला दिया होगा, कैसे रक्त को सुखा दिया होगा, कैसे सिर को एक श्रीफल की तरह हो गया, कैसे एक एक अंग को सुखा दिया। सिर्फ हमने चरण बोल दिया, इसी पर हमने विचार नहीं किया है कभी, तो ये जीव इतनी आसानी से सुख चैन से बैठ ही नहीं पाता, लग जाता। देखो यहां यही मोमिनों की कुर्बानी, जो आगे यही मोमिनों की कुर्बानी आगे धामधनी इस मोमिनों के माध्यम से यही तो बता रहे धामधनी, कैसा कसाला दिया। तब श्री जी ने आदेश कर दिया कि बस जब्राइल इस खेल को खत्म कर दो। फिर मूल स्वरूप ने आदेश दिया कि नहीं महामती, मतलब इंद्रावती, अभी बहुत से काम बाकी है, आगे की वाणी मैंने कल बता दिया था। और यहाँ चुपाई बताई कि नेक रखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम, ने तो अंदर केती बेर लेते हम, हमारे लिए एक कंद्र की जो तीसरी रात है ये खींच के रखी है। मैंने एक बार इस पर चर्चा भी की थी कि सुंदर साथ जी, सुबह नहीं हुई है हमारे लिए, 10 भी नहीं बजा है, दोपहर का 12 भी नहीं बजा है, मध्याह्न का जो सूर्य ऊपर आ जाता ना वो भी नहीं, वो भी प्राणनाथ जी आए तब बज गए थे। दोपहर के बाद अभी का 4:30 भी नहीं बजा है, अभी तो परमधाम वापस जाने का समय हो गया, 4:30 बजे हम आए हैं, मैं अष्टपहर में लूँगी, ठीक है ये प्रसंग को। इतना भी नहीं, शाम का सूर्य अस्त होने वाला है, देरी तो हमारी ओर से है। यहाँ राज्य ने ये रात को खींच के रखा है और आगे बताया कि जब ऐसी जब घटना घटित हुई तब जाके मोमिनों ने सब फिर शेख इस्लाम काजी के हवाले करते हैं मोमिनों को, क्योंकि शेख इस्लाम काजी ने बोला बादशाह को कि मैं इन मोमिनों की सेवा करूं। तब जब मोमिनों की सेवा के लिए उस हवाले करते तब मोमिनों ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनिए। मोमिनों ने बोला कि क्या आपके कुरान में क्या ऐसा लिखा है कि कोई क्यामत संबंधी, खुदा ताला संबंधी संदेश देने के, इमाम मेहंदी संबंधी संदेश देने के लिए आए तो उस पर जुल्म ढाना, हत्याचार करना, क्या कुरान, हे मुस्लिमों आप कुरान ध्यान से पढ़िए, उस पर चिंतन करिए, क्या ऐसा लिखा है कि जो कोई भी संदेश देने के लिए आए तो उस पर हत्याचार गुजारना। इतना नहीं, आगे मोमिनों ने बोला कि हे काजी साहेब, हमने ऐसा क्या किसी का धन नहीं लिया, क्या हमने कोई चोरी नहीं की, कोई हमने चारित्र्यहीनता का ऐसा कोई काम भी नहीं किया है, और आप हमारे पर इतनी बिता रहे हो, आपके अंदर कोई दया नाम की चीज ही नहीं है। तो यही तो 7 निशान वाली बात है, यही तो 7 निशान वाली बात है कि मनुष्य का आकार तो मनुष्य का होगा लेकिन वृत्ति पशुओं जैसी होगी, जानवर जैसी होगी, जो मैंने 7 निशानों में बताया था, यही तो घटित हो रहा है सामने। फिर आगे शेख
इस्लाम काजी के जब हवाले कर दिया मोमिनों को, और बादशाह ने ये भी बोला कि तुम उसकी बहुत सावधानी से सेवा करना, खाने पीने की सेवा करना, देखो उसको कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, तुम चूरमा लाडू जैसी वानगी स्वीट भी बना के खिलाना। तब मोमिनों के अंदर जो विचार उठे थे, एक जागनी संबंधी, एक संदेश संबंधी, वो ठंडे हो गए। उसने सोच लिया, विचार कर लिया कि अब हमारी बादशाह के साथ कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों ने, आसपास के दरबारी लोगों ने वहाँ पहुँचने ही नहीं दिया। देखो बादशाह तो दूर हो गया, क्योंकि इसने सीधी पोलाद के हवाले कर दिया, तो उसके विचार भी ठंडे हो गए। फिर से इस्लाम काजी इन्ना इंजुला सूरत पर कई कुरान को लेकर प्रश्न पूछते हैं, सवाल होते हैं हमारे मोमिन। इन्ना इंजुला सूरत पर मैंने लगभग शायद 2-3 बार चर्चा कर ली है कि उस पर लैलतुल कद्र, जिसको व्रज रास और जागनी कहा गया, और जागनी की ये तीसरी जो कद्र की रात चल रही है, इतनी लंबी है, इसी पर बहुत विस्तृत चर्चा की। किसने? हमारे मोमिनों ने। तब ये काजी रोने लगा। देखो ये रोने लगा है, मतलब कसाला तो मोमिनों ऊपर पड़ा ही है, कष्ट तो, हत्याचार तो हुआ ही है, क्योंकि काजी वैसे नहीं रोता। काजी जैसे जैसे प्रश्न करते जाते हैं वैसे वैसे बोलते जाते हैं। और इतना नहीं, आगे मोमिनों ने क्या विचारा कि एक उसके पास जो हदीस की किताब थी, तो मोमिनों ने आगे रखी। तब जब काजी ने ये किताब देखी, तो काजी और आसपास और भी लोग बैठे थे दरबारी, काजी ने क्या बोला, वो अपने घर में ले गया है ना सेवा के लिए, पास में एक निवास स्थान करा कर दिया है, तो वहाँ आपस में चर्चा मसलत होती रहती है। जब हदीस की किताब दी, तो हदीस की किताब देने के बाद जब काजी ने खोला और देखा, तो क्या बोला कि अरे ये तो आपके हाथों से लिखी हुई है। तब मोमिनों को देखो, एक पर एक प्रहार हो रहा है, एक पर वो एक कष्ट दे रहे, तब मोमिनों के अंदर इस समय क्या गुजरी होगी, क्या बीतती होगी। मोमिनों ने बोला कि हे काजी साहेब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या खुदा ताला के बारे में, उसकी मोमिनों के बारे में, आत्माओं के बारे में क्या हम कोई लिख सकते हैं, क्या खुदा ताला के सिवाय कोई उसकी बात जाहिर ही नहीं कर सकते, आपके कुरान में लिखा हुआ है खुद खुदा आएंगे और अरसे अजीम लाहूत की बात वही जाहिर करेंगे, तो क्या हम लिख सकते हैं, आप ऐसी क्यों बात करते हो फालतू, ये मोमिनों ने बोला। और आगे सुंदर साथ जी, उसी समय जब ये चर्चा हो रही है, तो वहाँ एक हिंदू सार्वजनिक अधिकारी के एक जो व्यक्ति थे वहाँ खड़ा था, तो शेख इस्लाम काजी ने उसको क्या बोला कि देख ये तेरे हिंदू है, लेकिन आज कुरान पर और मोहम्मद साहेब पर क्या चर्चा कर रहे हैं, इतना नहीं ये कुरान की सिफत गा रहे, प्रशंसा कर रहे हैं। तब वो जो हिंदू एक व्यक्ति था अधिकारी, तो उसके अंदर क्या विचार आया कि अरे हमारे हिंदू पक्ष की तो गरिमा ही क्या रही, चलो अब धरती फटे तो मैं उसमें समाहित हो जाऊँ। सुंदरसा जी, उसी विषय पर मैं क्या कहूँ, उसी बारे में मैंने पहले बहुत चर्चा ले चुकी हूँ, क्योंकि हिंदू लोग को पता ही नहीं कि झगड़ा जो चल रहा है ये वेशभूषा, बोली और जाति का चल रहा है। मैंने कल भी चौपाई शायद रखी थी कि जो कहिया कछु वेद ने, सोई कहिया कतेब, दो बंदे एक साहेब के, पर लड़त न बिना पाए वेद, जो वेद कहते हैं वही तो कतेब कहते हैं, लेकिन आज जड़ मूर्तियों की पूजा के पीछे लगने वाले ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, और सिर्फ कर्मकांड को ही भक्ति मान के बैठे हैं, वेदों के मंत्रों को उच्चारण करके ही अपने को एक ज्ञानवान और विद्वान मान के बैठे हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर
वास्तविक ज्ञान की पहचान ही नहीं है, तो ये लोगों को क्या लगा कि ये तो मुस्लिमों का खुदा ताला अल्लाह ताला है, हमारा तो परब्रह्म कौन है, ये कृष्ण जी है, ये राम है, ये विष्णु है, ये ब्रह्मा जी है, ये शिव जी है। उसको पता ही नहीं कि शिव जी कौन है, ध्यान से, विष्णु कौन है, या नारायण कौन है, या कृष्ण कौन है, कहाँ कहाँ की उसकी सीमा है, क्या हद है। सुंदर सा जी, नारायण की गम कहाँ है, मतलब उसकी पहुँच कहाँ है, और मोहम्मद साहेब की पहुँच कहाँ है। मैंने एक दिन चौपाई में बताई थी ना, नबी और नारायण की कछुक कहु पटंतर, रसूल कहे नूर जमाल की, नहीं नारायण गम अक्षर। देखो नारायण तो एक अक्षर ब्रह्म के स्वप्न में बना है, और एक दिन जब अक्षर का स्वप्न टूटेगा तो ये नारायण से जो संकल्प से पूरा जगत बना है एक दिन मिट जाएगा। और रसूल साहेब कहाँ पहुँचे, उसने कुरान के माध्यम से क्या क्या साक्षियाँ लिखवाई है। तो हिंदू लोग आज जड़ मूर्तियों की पूजा के पीछे पता ही नहीं, उसका दिमाग बुद्धि भी जड़ हो चुकी है, तो उसको पता नहीं कि भाई जिसको नूर जमाल कहा गया है कुरान में वही तो अक्षरातीत है, जिसको नूर जलाल कहा गया है वही तो अक्षर ब्रह्म है। मात्र जो झगड़ा आज हो रहा है वेशभूषा जाति और बोली का हो रहा है। तो यहाँ जो हिंदू अधिकारी था वो वहाँ से भाग छूटा, और उसके आगे सुंदर साजी जो काजी के साथ बैठे हुए और लोग भी थे, उसने क्या पूछा कि तुम इतने समय से यहाँ आए हो, तुम इतने समय से यहाँ आए हुए हो, तो आपको नमाज पढ़ते हुए कभी भी नहीं देखा। जो शरीयती मुसलमान है वो पांच रोजा, नमाज, हज, जकात और ज्यारत, तो जो पांच नियमों को लेकर ये उसने इसमें नमाज की बात पूछी कि तुम इतने दिनों से आज हमारे दरबार में हो तो तुमको हमने नमाज पढ़ते हुए भी नहीं देखा। तब हमारे मोमिनों ने क्या जवाब दिया, आगे सुनिए कि नमाज कोई यहाँ शरीयत वाली कर्म कांड वाली बंदगी की बात नहीं है, वो वाली प्रार्थना की बात नहीं है। सुंदर साथ जी, आज मैं एक बात रखूँ तो एक जो सेवा पूजा एक हमारी ये जो चल रही है अभी हमारी परंपरा में भी, ठीक है, वो शरीयत कर्म कांड वाली तो बंदगी है, वो तो प्रार्थना है। आज मोमिनों ने 400 साल पहले क्या जवाब दिया कि हे दरबारी लोग, हमारी नमाज कभी कजा होती ही नहीं। हमारी नमाज कभी कजा होती नहीं, हम पल पल, इतना नहीं हम हर क्षण बस काम ही एक दिन इस्लाम का करते हैं, एक अक्षरातीत की एक सच्ची निजानंद की राह पर हम चलते हैं। तो हम जब ये मायावी दुनियावी जो काम करे तब तो हमारी नमाज का भंग होता, लेकिन हम तो हर क्षण बस ये संसार को हमने तजारक दे दी है, मतलब छोड़ दिया है, हम हर क्षण बस काम ही दिने इस्लाम का करते हैं। ये खुदा ताला को जाहिर करने का, ये संदेश देने का हम काम करते हैं। हम तो पल पल बस ये अक्षरातीत के स्वरूप में डूबे हैं, इस शोभा में डूबे हैं। हम एक क्षण भी हमारी व्यर्थ नहीं जाती। और आगे और भी बोला कि अब जो हम इस संसार का लौकिक काम करे, फिर इस बंदगी की ओर आगे आए, फिर लौकिक काम करे, फिर परमात्मा की राह पर चले, तो थोड़े देर बीच में भंग होता, लेकिन हमने तो ये माया को क्या करा है,
छोड़ दिया है, हमारा तो बस पूरा ही ध्यान अक्षरातीत के खुदा ताला के चरणों में है। तो यहाँ नमाज की बात वाणी के आधार पर छह प्रकार की बताई है, दो शरीयत की नमाज, एक जिस्मानी और एक नफसानी, दो एक तरीकत और एक हकीकत, और दो मार्फत की, उसमें दो अरसे अजीम की जो मार्फत की नमाज बताई है, वैसे छह प्रकार की नमाज की बात कही गई है। यहाँ सुंदर साहब जी, वो जाहिरी मुसलमान बस आसपास में कोई दज्जाल तो नहीं है ने, ऐसे जो कर्मकांड करते हुए जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो ये इसी हिसाब से उसने ये पूछा कि तुम ये शरीयत वाली कर्मकांड वाली नमाज तो क्यों अभी तक नहीं पढ़ी, हमने देखा भी नहीं। तब मोमिनों ने ये साफ साफ जवाब दे दिया। और उसके बाद लालदासी और भीम भाई, कौन? लालदासी और भीम भाई, जब ये दरबारी लोगों के सामने सिख इस्लाम काजी के सामने बैठकर और चर्चा में जब आगे बढ़ते हैं, तो इमाम के मिलाप की सनंद, क्या सनंद? इमाम के मिलाप की सनंद सुनाते हैं। और इमाम के मिलाप में आगे इस प्रकरण के माध्यम से शेख इस्लाम काजी को क्या चर्चा की, तो बताया यहाँ कि इमाम के साथ किसका मिलाप किसके साथ हुआ। तो यहाँ जब इमाम के साथ मिलाप हुआ, किसका? इंद्रावती की आत्मा का। किसका हुआ? इंद्रावती की आत्मा का। इंद्रावती की आत्मा का जब अक्षरातीत धाम धनी के साथ मिलाप हुआ, तो उसको मेहंदी कहा गया। क्या कहा गया? मेहंदी। और वेद पक्ष में महामति कहा गया, कते पक्ष में मेहंदी कहा गया। और मैंने एक दिन चौपाई में बताया था कि जब अहमद किसके अंदर मिले? महामति के, इंद्रावती के धाम दिल में। अहमद कौन है? रूहल्ला श्यामा जी। तो वो भी इंद्रावती के धाम दिल में बैठ गए, तो अहमद स्वरूप रूहल्ला भी बैठ गए। तो दोनों स्वरूप का जब मिलन हुआ, तो क्या कहलाए? इमाम कहलाए। तो बसरी सूरत मोहम्मद का महामति के धाम दिल में विराजमान, और अहमद कौन? श्यामा जी, रूहल्ला भी अंदर विराजमान हो गए, तो दोनों स्वरूप मिले, तो इमाम कहलाए। तो यहाँ जब इंद्रावती की आत्मा का अक्षरातीत के साथ मिलन हुआ, तो मेहंदी की शोभा मिली, और अहमद भी मिले तो इमाम की शोभा मिली। ये वर्णन शेख इस्लाम काजी को सुनाया। किसने? भीम भाई और लाल दासी ने। और अंतिम शेख इस्लाम काजी ने ये वर्णन सुना और तभी स्वीकार भी कर लिया कि हाँ, आपकी बात तो सही है, सच में आप जो बता रहे हो उसी के हिसाब से, उसी आधार पर इमाम मेहंदी आ गए हैं, क़यामत जाहिर हो चुकी है, और इतना नहीं सात निशान भी जाहिर हो चुके हैं। तब शेख इस्लाम काजी ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अंतिम क्या बोले कि हम भी उसकी आशा में बैठे हैं, हम भी उसका इंतजार में बैठे हैं, उसी आशा में बैठे हैं, लेकिन अभी छिपा के रखना है। देखो क्या बोला, अभी छिपा के रखना है, जाहिर करना नहीं है। क्योंकि उसने क्या बोला, अंदर क्या डर था, अंदर क्या पाप था, कि अभी जो ये बादशाह तक ये सत्य जाहिर हो जाएगा और ये बात बादशाह तक पहुंच जाएगी, तो पूरे हिंदुस्तान के सरा तोरा का जो साम्राज्य है वो समाप्त हो जाएगा, बादशाह नतमस्तक हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से उसने संदेश को ढांका और बोले कि जब ये खुदा ताला की इच्छा होगी, जब वो हुक्म करेंगे, तब स्वतः जाहिर हो जाएगा। लेकिन ये का आँख पर मोहर थी, दिल के अंधे, दिल में अज्जा जिल और मन रूपी इब्लीस बैठा था, उन लोगों ने ये बात स्वीकार नहीं की। तो आगे सुंदर साहब जी, हम इस चौपाई को दोहराने के बाद हम आगे उसी प्रकरण में जाए कि अवज्ञा कार्यों पर रोष,
मोमिन तो है गरीब बकरी जेता बल पड़े बाघ ज्यो बोल ही ये सीधे ही निर्मल। यहाँ क्या बताया, हमारे जो 12 मोमिन गए थे वैसे 12,000 आत्माओं के अंदर क्या होना चाहिए, मैंने कल सब गुण आपको बता दिए कि मोमिन कैसे होती है, अंदर उसका गुण क्या होता है। कल मैंने बताया था ना, विनम्रता, शालीनता, शिष्टाचार, नम्रता, शील, संतोष। तो यहाँ एक गुण बताया कि मोमिन तो वैसे विनम्रता की मूर्ति है। और वो आगे बताया कि जो भौतिक हमारे अंदर जो शक्ति होती, तो जैसे बकरी कैसी एक पवित्र और निर्मल होती, उसके अंदर कितना बल होता। ये विनम्रता वाली राजी ने बात रखी तो बताया कि बकरी जेता बल। और संसार के लोग, यहाँ ये जो दरबारी लोग, बादशाह के अधिकारी लोग कैसे वाघ समान है, उसी के सामने हमारे मोमिन कैसे बकरी जैसा। मतलब एक बकरी और वाघ को खड़ा करो तो वाघ कितना क्रूर होता है, कितना अत्याचारी होता है, तो ये लोग सामने कितना कष्ट दिया। तो यहाँ बताया कि हमारे मोमिन तो गए थे लेकिन विनम्रता की मूर्ति थी, बकरी जितना बल इस सामने वो लड़े तो सही लेकिन मूल स्वरूप की इच्छा ही अभी आज्ञा ही नहीं थी। और आगे अंतिम चौपाई में बताया कि महामत कहे मोमिनो ये काजी के घर की बीतक बात, अब कहो हादी की जिन खबर सुनी विख्यात। यहाँ महामती अपने स्वरों में कह रही है कि जो काजी के घर क्या क्या घटना क्रम घटित हुआ, ये बात मैंने आपको विस्तार से बता दी। और आगे अवज्ञा कार्यो कौन, जिसने अपने संदेश को ठुकराया, क्यामत संबंधी संदेश को स्वीकार नहीं किया, वो ऐसे अज्ञानी लोगों, अवज्ञा की, अवहेलना की, ऐसे लोगों पर रोष व्यक्त करते हुए श्री जी के अंदर जो क्रोध आया कैसे आया, जब वो पत्र पहुंचते हैं। तो यहाँ पहली चौपाई में बताया कि मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने, जब कानजी पहुंचा उसी दिन बहुत गुस्से हुए। तब जब हमारे 12 मोमिन ये संदेश देने के लिए औरंगजेब बादशाह के दरबार में गए और बादशाह के अधिकारी लोगों ने हमारे मोमिनों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, कैसा दुर्व्यवहार किया, ये पत्र जब कानजी बाई के माध्यम से सब बातों को लेकर श्री जी को अवगत कराया, सूचित किया पत्र के माध्यम से, तो श्री जी के अंदर क्या क्रोध आया। और उसी दिन देखो राजी ने यह चौपाई जाहिर कर दी, लिख दिया कि उसी दिन कानजी बाई पहुँच गए थे। देखो सुंदरसा जी, दिल्ली और मथुरा के बीच में वो स्थान पड़ता है कामा पहाड़ी, श्री जी वहाँ है, उसी दिन पैदल चलकर पहुंचना क्या कोई संभव है। लेकिन राज्य के लिए कोई अशक्य इस दुनिया में चीज ही नहीं है, वो तो समर्थ है, सर्वशक्ति माने। उसी समय कानजी भाई वहां पहुंच गए थे और जब पत्र पढ़ा तो बताया कि अरे हमारे मोमिन सुंदर साथ आपके पास संदेशवाहक बनकर पहुँच संदेशवाहक बनकर वहाँ संदेश देने के लिए आया और आपके दरबारियों ने प्रताड़ित किया, कष्ट दिया, दुख दिया, कसाला दिया, तो हे मुसलमान लोग, देखो श्री जी से अंदर से और आह निकल रही है, और टीस निकल रही है कि हे मुसलमान लोग, आप शांति से नहीं रह पाओगे, आपका शासन पूरा समाप्त हो जाएगा। क्या बताया कि आपका विनाश निश्चित है। हम उसी प्रकरण जो 2-3 प्रकरण उसी को लेकर बताया है कि कुरान में ऐसे लोगों के लिए क्या फिटकार लिखी है, क्या धिक्कार लिखा है। तो ये 2-3 प्रकरणों में हम कोई कोई जो विशेष चौपाई है उसको
ले ले कि मैं भेजे मोमिन को दे अपना पैगाम, तो गुना बैठा इनो पर कोई न बचावे इन काम। सुंदर सा जी या श्री जी अपने एक क्या कहूँ द्रवित हृदय से, दुखी हृदय से ये जो वचन लिख रहे कि मैंने मोमिनों को बादशाह के दरबार में संदेश भेजा और हमारा कर्तव्य हमारी फर्ज हमने पूरी की, उसने कितना कसाला दिया तो उसके परिणाम स्वरूप उसको दंड अवश्य भुगतना ही पड़ेगा। और जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त दूसरी चौपाई में स्पष्ट बता दिया कि लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम तो इन सामान्य एक साधारण व्यक्ति को मार रहे हैं ना, लेकिन यहाँ क्या बताया। मैंने एक दिन चौपाई भी बोली थी कि बंदगी खुदा की करो या उसके दोस्त की, बीच में ना ही तफावत। जैसे राज्य है उसकी बराबरी की उसकी आत्माएं हैं, मतलब उसके अंग तो है, हे रूहे तुम सब मेरे तन हो, तुम सब दिल मेरा इश्क, हम राज्य से अलग थोड़ी है। यहाँ राज्य ने बताया पत्र के माध्यम से इन दरबारी लोगों को क्या किया कि अरे तुमने जो मेरे पैगंबर मतलब संदेश वाहक के रूप में मैंने मोमिनों, क्योंकि कुरान में जो संदेश रसूल खुदा ताला का लेके आते ना उसको रसूल कहा जाता, उसको संदेश वाहक कहा जाता, तो यहाँ मोमिन गए ना दरबार में, समझ में आ रही है बात, यहाँ मोमिन संदेश देने के लिए गए हैं तो उसको पैगंबर कहा गया। आगे भी रामनगर में भी पैगंबर आएगा सूरत सिंह जी, संदेश सब पहुँचाएंगे। तो यहाँ क्या किया राज्य ने, क्या बताया कि मेरे पैगंबर के रूप में मोमिन आए थे संदेश देने के लिए, तो तुमने उसको कष्ट दिया ने, मान लो आपने मोमिनों को नहीं दिया, ये मेरे को दिया है। जो दुख मेरी सयन को तो सुख कैसा मोहे, दुख न दहू फूल पाखड़ी। राजी सुंदर साथ जी हमारा इतना कष्ट भी, मतलब मोमिनों को मारना, मैं इसी बात पर एक थोड़ा आगे और बढ़ूंगी कि सुंदर साथ जी हम भी कई बार सुंदर साथ आपस में भी थोड़ा द्वेष रखते, कोई विरोध रखते, घृणा रखते, तो हम क्या विचार करते कि हम तो सुंदर साथ के प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, राज्य के साथ थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन सुंदर साथ के प्रति ऐसा व्यवहार मतलब राज्य को दुख देना। राज्य ने मेरे नहीं चलो चलो रे साथ जी आपन जाइए धाम, उसी प्रकरण में बताया है कि जो जो साथ में होते प्रीत, त्यों त्यों मोही को होते सुख, जो जो साथ करते ब्रोध, त्यों त्यों अंतवाही को जो है दुख। जो साथ आपस में झगड़ा करेंगे, विवाद खड़ा करेंगे, कष्ट देंगे, तो मान लो राज्य बोले कि मेरे को दिया, यही मान लो, ये कोई आपने सुंदर साथ को नहीं दिया। यहाँ राज्य ने ये पत्र के माध्यम से तभी तो दरबारी लोगों को संदेश दिया, लेकिन यहाँ अभी हम सबको समझा रहे कि सुंदर साथ जी तुम भी आपस में एकजुट बनकर, एक गुट बनकर, एक संगठन एकता बनाकर रहना है, आपस में विवाद मत खड़े करो, तुम भी परमधाम के वाहदत के स्वरूप हो, एक दिली के स्वरूप हो। और आगे बताया कि पर ईद क्या करे जो लिखी लोमो फूज, पर ये लोग क्या करे बेचारे, उन लोगों का कोई गुनाह नहीं था, पहले से लोमो फूज मतलब एक लोहे की पट्टी पर अटल लिखा गया था कि जो लिखा था ने, ऐसे कोई लोमोफूज मतलब कोई लोहे की पट्टी पर लिखा नहीं था, मतलब राज्य के दिल में जो बात एक बार आ गई, आदेश हो गया, तो घटने वाला ही था। मैं एक बात उसी को लेकर बताऊं, जब तक राज्य ने दिल में नहीं लिया था कि खेल बना के मेरी मोमिनों को रूहों को ये खेल दिखाऊं, तब तक क्या अक्षर ब्रह्म पर हमारी नज़र पड़ी थी,
सामने तो था अक्षरधाम, था ने, वहाँ अक्षर ब्रह्म भी थे, हम भी वहाँ खेलने के लिए जाती थी विहार लीला में, ठीक है। तो क्या हमने राज्य अंगुली निर्देशन से बताते थे कि देखो ये अक्षरधाम है, हमारे जैसा ही नौ बोम दसवीं आकाशी वाला रंग मोहल है। क्या हमने कभी पूछा ये कौन पार पुरुष है, ये उसकी क्या लीला है, क्या पूछा? क्योंकि राज्य ने दिल में नहीं लिया था। जब हक्के लिया दिल में, पीछे आए माहे नूर, मेरी बात समझ में आ रही है? जब तक राज्य दिल में दीदी कोई बात नहीं लेते ने, तब तक किसी के दिल में बात नहीं जाती। तो यहां क्या बताया कि पहले से राज्य ने अटल जो सत्य बात है वो दिल में ले ली थी, तब तक तो ये काम तभी इस समय हुआ नहीं। और आगे राज्य ने बताया, ऐसी साहित्या कई है बीच अल्लाह कलाम, सब बातें यही लिखी अब सब पढ़ेंगे इस्लाम। ऐसी तो बहुत सी साक्षियाँ सुंदर साहब जी बीतक साहेब में जो बताया धाम धनी ने कि कुरान के अंदर अलग अलग घटनाक्रमों के रूप में हमारे मोमिनों का प्रसंग वर्णित किया गया है। ऐसी तो बहुत सी साहित्या है, ये जो किसे कुरान के अल्फ लाम और मीम से लेकर सो जहाँ लोग ख़त्म हुआ सिपारे आम लोग कही खबर। जो किसे कुरान के अल्फ लाम और मीम, ध्यान से सुनिए, कुरान का जो तीसवा सिपारा है वो आम कहा गया है, ठीक है। और पहले सिपारे से लेकर तीसवा सिपारा आम तक बस परमधाम की कई संकेतों में निशानियां और हमारे मोमिनों का ही घटना क्रम वर्णित हुआ है। अंतिम सिपारा तक, पहले सिपारे से लेकर अंतिम सिपारा तक। और आगे बताया कि 36वीं सूरत कुल औज बीर बनास, जहां कुरान खत्म हुआ सब किसे मोमिनों के खास। कुरान के तीसवें पारे की 36वीं सूरत से लेकर जो कुल औजो बेरबिनास तक जब कुरान खत्म होता है, उसका पूर्व से लेकर पूर्ण होता है, तब तक हमारे मोमिनों की और अर्श अजीम की निशानियां दी गई है। इतना नहीं, और आगे निशानी बताई कि ये साहेब दी इन्ना इंजुला लिखी बीच सूरत, ये रसूल साहिब बाता करते आगे असावों के इत। इस प्रसंग को जोड़ते हुए हम आगे बढ़े के एक साहेदी इन्ना इंजुला सूरत के अंदर लिखी है। और एक बार ध्यान से सुनिए, एक बार मोहम्मद साहेब अपने साथियों से कह रहे थे, क्या कह रहे थे, इस चौपाई के माध्यम से बताया कि गाजी बनी इसराइल ने लोहा बांधा महीने हजार। तो ये बात किसकी है, कुरान पर जो कुरान के अंदर साक्षियाँ लिखी थी, ये किस प्रसंग पर घटित हो रही है, आप ध्यान से सुनिए आगे क्या बताया इस चौपाई के माध्यम से। एक बार मोहम्मद साहेब, जो कुरान में पहले प्रसंग घटित हो चुका है और आने वाले भविष्य में घटने वाला था, ये किस पर घटित होने वाला था, ये दोनों का मिलान किया हुआ है, समझ में आ रहा है, ये दोनों का मिलान किया हुआ है। यहाँ बताया मोहम्मद साहब अपने साथियों से पहले क्या बता रहे थे और बाद में अभी ये घटना किस पर ये प्रसंग घटित हो रहा है, ये हम बाद में देखेंगे। तो मोहम्मद साहब ने अपने साथियों को बताया कि एक बार इसराइल के पुत्र ने 1000 महीने तक इस धर्म की राह पर माया से युद्ध किया। तो यह प्रसंग मोहम्मद साहब अपने साथियों को और आगे बता रहे हैं। जब उन साथियों ने पूछा कि ऐसा इसराइल के पुत्र कौन थे जिसने 1000 महीने तक धर्म की राह पर माया से युद्ध किया, ये इस्लाम की राह पर, तब आगे मोहम्मद साहब ने बताया कि इब्राहिम की दो पत्नियां थी, एक हजरा और एक सारा, और हजरा से इसराइल की नाम के पुत्र को जन्म हुआ और सारा से इसहाक का जन्म हुआ।
और एक बार लोक निंदा के कारण इब्राहिम ने अपनी पत्नी हिजरा को अपने पुत्र इसराइल को लेकर अरब से निष्कासित किया गया। जब निष्कासित किया तो जब इसराइल को बहुत बचपन था, उम्र छोटी थी, जब प्यास लगी तो उसी समय उसने एक जल पैदा किया, तो ये जल का नाम आबे जमजम कहलाया। क्या कहलाया? आबे जमजम कहलाया। और उसी के बाद जो सारा का पुत्र इसहाक हुआ और इसहाक का पुत्र याकूब, उसने ये यहूदी धर्म चलाए और यहूदी धर्म के लोग उसके अनुयायी वो फिलिस्तान और इसराइल आदि में वो रहते हैं। ये प्रसंग मोहम्मद साहब ने क्या बताया? अपने साथियों को बताया। लेकिन सुंदर साजी, ये तो पूर्व में घटना घटित हो चुकी है, लेकिन अभी क्या घटने वाला था भविष्य में, ये प्रसंग को बताने के लिए यहाँ क्या बताया कि इसराइल का तात्पर्य प्राणनाथ जी से है। प्राणनाथ जी कौन है? हमारे प्राणों के प्रीतम, हमारी आत्मा के धाम के धनी, और उसके अनुयायी कौन है? सुंदर साथ। तो इस सुंदर साथ ने माया से कहाँ तक युद्ध किया? तो यहाँ 1000 महीने की बात कही गई है। तो 1000 महीना मतलब कितना समय? तो बताया कि 83 साल। कितने साल? 83 साल और 4 महीना होते हैं। 1000 महीने का जब हम हिसाब निकालेंगे तो 83 साल और 4 महीना होते हैं। तो ये साल को जब हम मिलाएंगे तो कहाँ से, तो फिर आगे भी कई साक्षियाँ लिखी है, मैं चौपाई बोले बिना ही बता देती हूँ कि सबसे पहले इन्ना इंजुला सूरत का मैंने जो आपको वर्णन किया यहाँ जोड़ देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम कहाँ आए? व्रज में। ठीक है, व्रज में हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। बाद में हम कहाँ गए? रास में। रास में भी मनोरथ नहीं पूर्ण हुए ने, फिर अंतर्ध्यान लीला हुई, फिर प्रकट हुए, फिर राज्य के साथ हमारी लीला हुई, फिर हम परम धाम मूल तन में जागृत हुई। वहाँ जाके फिर क्या बात लेके बैठ गई हमने? तो आपने जो बोला था वही तो देखा, वो वाला खेल तो देखा ही नहीं। क्या दिल्ली में नहीं आई, चंदपुर में नहीं आई, गुजरात में राजकोट में नहीं आई, जो अभी बच्चों परिवार का जो हम खेल देख रहे हैं, ये माया वाला ही जो लीला देख रहे हैं, वो तो हमने कहीं देखा। दीदी स्पेन में भी नहीं गई, ठीक है, तो वो वाली लीला, ये कोई मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। पंजाब हरियाणा क्या हमने देखा था कोई प्रांत? ये यूपी ये देखा था क्या? तो यार क्या बताया कि इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया गया। वो तीसरी जो रात्रि लंबी कही गई लेल की, उसमें तीसरे दिन मोहम्मद साहब आए, चौथे दिन सदगुरु धनी देवचंद्र जी आए और आगे बताया कि देवचंद्र जी की लीला कहाँ तक, देखो कहाँ कहाँ क्या मिलान होता है। तो देवचंद्र जी की लीला कहाँ से शुरू हुई? विक्रम संवत 1638 से। और पूर्ण कहाँ हुई? कब हुई? विक्रम सन 1712 में। मैंने पहले भी बहुत चर्चा इसी प्रसंग को लेकर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो 1712 और जागनी का तेज दौर कहाँ से शुरू होता है? देवबंदर से। तो 10 साल फिर जोड़ दिया, ठीक है, तो 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22 हो गया। तो यहाँ विक्रम संवत 1638 से लेकर 1722 तक, विक्रम संवत 1638 से लेकर 1722 तक 83 साल और 4 महीने पूर्ण होते हैं। और उसके बाद भी बताया कि उससे भी उत्तम समय, श्रेष्ठ समय क्या था? तो 1722 से ये जागनी का तेज दौर चला। कहाँ से चला? देवबंदर से। देवबंदर से हमने देखा कि देवबंदर से जब श्री जी निकले और वहाँ जब जागनी का दौर ऐसे चला कि देवबंदर में कई सुंदर साथ एकत्रित हुए और
वहाँ से नबी, पोरबंदर, पाटन, ध्यान से सुनिए, मैं पूरी बीतक बता रही हूँ एक ही चरण में। नबी, पोरबंदर, पाटन, कपई, मंडई, भुज होते हुए आगे लाठी, ठट्ठा, मस्कत, अबासी, फिर ठट्ठा, ठट्ठा से फिर आगे सुहाली, गोगा से होते हुए सूरत पहुँचे। सूरत पहुँचे तब 500 की जमात एकत्रित हो गई। कितनी? 500 की। और सूरत से महाजर इतनी जमात एकत्रित हो गई, अपने घर बाहर छोड़कर जब निकले तो सूरत से अहमदाबाद, सिद्धपुर मेरते से होते हुए दिल्ली पहुँचे, गोकुल मथुरा आगरा से होते हुए दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से फिर हरिद्वार, हरिद्वार से फिर दिल्ली, दिल्ली से अभी हम दिल्ली में पहुँचे, ठीक है। वहाँ से आगे हम कहाँ जाएंगे कल के प्रसंग में? उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर होते हुए मऊ, सहानिया, अगरिय से होते हुए कहाँ पहुँचेंगे? पन्ना में। पन्ना में विक्रम सन 1740 में पहुँचेंगे और तब 5000 की जमात वहाँ एकत्रित हो जाएगी और वहाँ खिलवत परिक्रमा, सागर सिंगार की वाणी उतरेगी। तो तब सब सुंदर 7-5000 की जमात में जो एक श्री जी की अक्षरातीत के स्वरूप में पहचान करेंगे। तो यहाँ बताया कि लेल की रात्रि कितनी बड़ी कही गई और इससे भी श्रेष्ठ समय जागनी का क्या कहा गया? पन्ना तक का वाणी भी उतरती गई और आगे 120 साल तक ये मोमिनों ने लोहा बांधा। और आगे क्या बताया कि अब सुनियो तुम मोमिनो, कहो लो बी तक तुम, लड़ाई करे दज्जाल सो जमा एक ठोर थे हम। फिर श्री जी बार बार ये याद दिला रहे क्या कि जब, यहाँ लालदासी खुद बोल रहे हैं कि जब हम औरंगजेब बादशाह की कैद में थे, लालदासी बोले कि मैं भी तब था। ये बीतक कौन लिख रहे हैं? स्वयं लालदासी के अंदर 5 शक्ति विराजमान होकर ये बीतक लिख रही है। फिर ये लिखते क्या बोल रहे हैं कि मैं भी कैद में था। किसकी कैद में? औरंगजेब बादशाह की कैद में था। उसी समय क्या आया तो के संदेश लेकर हम सरा तोरा के बादशाह इमाम मेहंदी के पास गए और हमारे पर क्या जुल्म ढाया, क्या हत्याचार किया। और उसी समय श्री जी ने जो पत्र में लिखा है वो बड़ी पत्री के रूप में आगे तो बताएंगे, लेकिन यहाँ लालदासी के माध्यम से धामधनी क्या बताने जा रहे कि सब खलक रह पावती जो ये फेरत ना पे गाम। तब जो बादशाह के दरबारियों ने ये बात मान ली होती ने तो हिंदुस्तान का राजा कौन था? औरंगजेब बादशाह। तो तब सब में ये अक्षरातीत की पहचान प्रसर जाती। तो आज ये जो अभी ये कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही है ये कठिनाइयाँ भी उठानी नहीं पड़ती। लेकिन तभी बादशाह ने नहीं माना, कानों तो बहरे होते भई आँखों ऊपर मोहर। ये मैंने बार बार इसी पर मैं कह चुकी हूँ, इसलिए मैं कोई कोई चौपाई को ही बोल रही हूँ कि वो लोग कान के बहरे थे, आँख के अंधे थे, अंदर इबलिस की बैठक थी, दिल में अज्जाजिल रूपी जीव था, वो लोगों ने अपनी बात नहीं सुनी। मोमिन अपना फर्ज उतारिया, मोमिनों ने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। आगे और शाहिदी लिखी कि बेत अल्लाह पुकार ही सो भी सुने न कान। इतना नहीं तभी मक्के से, बेत अल्लाह से 4 वसीयत नामे भी आ गए कि हे बादशाह सुन ले, वहाँ से और अरब की धरती से शफकत, बरकत, कुरान, ज्ञान का नूरी झंडा उठकर हिंदुस्तान में आ गया है। और इतना नहीं, मीनारे की मस्जिद से कंगूरे भी गिर पड़े थे और बादशाह का सिंहासन भी तभी पूरा घूम गया था और सामने शेर भी दिखाई देने लगा था। ये सब निशानियाँ तो है। यहाँ क्या बताया कि वसीयतनामे 4 आए ताकि भी न करे सुने कान।
तो भी ये बादशाह अपने अहम में डूबा हुआ था, अहंकार के नशे में चूर था, उसने अनसुना कर दिया। देखो इमाम मेहंदी दरबार में आए, मोमिनों की बात भी सुनी, मतलब संदेश तो मोमिन लेकर आए, लेकिन मोमिन के अंदर बैठे कौन है? स्वयं राजी। संदेश भी प्रत्यक्ष हुआ लेकिन अनसुना कर दिया, सुना नहीं। आगे बताया कि वास्ते मतलब दुनी के छोड़ दिया इस्लाम, पैगंबर को पीठ दे रहे बीच दुनी के काम, 30 बखत हादी ने लिख भेजी पाती हम। उसी समय श्री प्राणनाथ जी पत्र लिखते हैं, इस पत्र में क्या क्या लिखते हैं तो बताया, तुम बैठे नजीक हक के, तुम पलक न करे दूर। हे मोमिन, हे सुंदर साजी, आपको कोई दुखे उन्हें की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिर पर कौन है? पल पल राजी ये सुख शब्दा तित के क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे लग हमारे सिर पर खड़े सुभान। इतना नहीं तुम्हारे मूल स्वरूप सो, हमारा परातम कहाँ बैठा है? मूल मिलावे में। और बताया कि राज्य के सामने जब हम मूलतन हमारा बैठा है तो वो भी राज्य के सामने आपस में बात भी कर रहा है, ये तो तुम्हारा झूठा तन है। तुम इन सामान्य कष्ट को देखकर आप क्यों विचलित हो रहे हो? आप दुखी मत हो, 30 वास्ते तुमको अजमावत है। तो यहाँ क्या बताया दूसरी चौपाई में कि ये सुंदर साजी खेल में मैंने आपको संदेश देने के लिए इसलिए भेजा, ध्यान से सुनिए, इसलिए भेजा कि तुम्हारी परीक्षा लेनी थी कि तुम्हारे अंदर कितना इश्क है मेरा। यहां से इश्क का स्वरूप बनकर तो गई हो, जैसा मेरे अंदर प्रेम है इतना आपके रोम रोम में प्रेम होना चाहिए, तो वहां जाके आप कैसी माया में बंध चुकी हो, ये प्रेम कहाँ गए? मैं आपकी प्रेम की अजमाइश के लिए मैंने ये संदेश देने के लिए आपको भेजा है। इतना नहीं तिखा या बलाई कसाले, ये मुकद्दमा क्या मत, इसलिए ये तुम्हारे पर जो कसाला पड़ा ने उसमें तुम्हारी प्रेम की परीक्षा थी, जो लड़ाई तुम करी सो ओसी रोशन चौदे तबक। या क्या बताया, तुमने जो ये लड़ाई की ने इन लोगों के सामने, कैसी लड़ाई? कोई तलवार अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं, ज्ञान रूपी धर्म युद्ध किया है, ये 14 तबक में फैल जाएगी। क्या बताया, ये 14 तबक में फैल जाएगी। इतना नहीं इन मुसलमानों ने तुम्हारे ऊपर जो जुल्म ढाया है ने, उन लोगों की सब बातें करेंगे पूरे मुसलमान समाज पूरा वर्ग के, देखो ये मोमिन संदेश देने के लिए आए थे और उसको उस ऊपर कसाला ढाया, तो ये मोमिनों को जो दुख दिया है तो ये मुस्लिमों को फिटकार मिलेगी। देखो राजी कितना मतलब हमारे अंदर बल भरने के लिए सांत्वना दे रहे, पत्र तो आगे लिखेंगे लेकिन यहाँ जो साक्षियाँ लिखी है ये इसी के माध्यम से बता रहे। और आगे बताया, ये भूले तुमको देख के ले मायने ऊपर के, इबलिस रानियाँ इनसे ले ऊपर के अर्थ में। यहाँ क्या बताया कि बादशाह के लोगों ने तुम क्या वेश धारण करके गए थे? हिंदू वेश, तो उसने तुमको पहचाना नहीं। फिर बाद में सुंदर साहब जी बताया कि मोमिनों ने जब ये बात आधे चरण में कहाँ की बताई, पहला तो मोमिन हिंदू वेश में जाते थे ना, शेख सलेमान कितने कितने लोगों के मिले, फिर मुस्लिम वेशभूषा भी धारण की, ये आगे पत्री में राजी बताएंगे। तो यहाँ बताया कि हिंदू तन में होने के कारण ये लोग आपको पहचान नहीं पाए, आँख पर मोहर लग गई। और आगे भी बताया कि इबलिस रानियाँ इनसे ऊपर के मायने, उसकी आँखें बंद थी, आत्मचक्षु खुले नहीं थे, इसलिए बादशाह ने मेरे आदमी के रूप को, प्राणनाथ जी क्या बोल रहे, उसने भी एक सामान्य व्यक्ति तरह, व्यक्ति की तरह संसार के एक व्यक्ति होती उसी तरह मेरे को भी एक सामान्य मनुष्य मान लिया, आदमी मान लिया, वो पहचान
नहीं पाए। बाकी तो सूरत देखी आदम के बीच निस्बत थी हक। फिर एक बार फरिश्तों की फौज को एकत्रित किया गया, फिर बोला कि देखो ये मूर्ति बनी है आदम की, तुम उसको सेजदा करो, उसी के अंदर खुदा ताला की रूह को फुका गया, मतलब अंदर विराजमान किया गया था। लेकिन यहाँ उसको भूल क्यों हुई और आदम को सेजदा अजाजिल ने क्यों नहीं किया, ये सब आगे स्पष्टीकरण किया गया कि उसने उसको भूल नहीं होती लेकिन ये राज्जी ने भुलाया है। ये राज्जी ने भुलाया कि उसी के अंदर रूह थी लेकिन अजाजिल अपने अहम में उसने बोला कि मैं अपने बनाए हुए आदम के पुतले को क्यों सेजदा करूं। ये भुलाने वाले भी राज्जी थे सुंदर शाह जी, क्योंकि वही अजाजिल फिर इस संसार में वही नारायण के संकल्प से सृष्टि बनी और हम सब आत्माएं मोमिन इस खेल में आने वाली थी। तो हमारे पर क्योंकि ये अजाजिल को बिस्त से निकाला गया ने, अखंड के अंदर से निकाला गया, ये सब लीला मैं क्या कह रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, ये सब लीला पहले क्यों घटित हो गई, ऐसी घटना क्यों घटित हुई, क्योंकि हम सब मोमिन इस खेल में आने वाली थी और हमको भुलाने वाले कौन थे, यही तो अजाजिल रूपी अंदर जीव बैठा है, यही तो इबलिस रूपी मन बैठा है, कोई इबलिस कोई दूसरा नहीं है, अजाजिल के मन की शक्ति को इबलिस कहा गया है और कुरान में उसको शैतान भी दज्जाल भी कहा गया है और वेद ग्रंथों में उसको अज्ञानता रूपी राक्षस कहा गया है। तो हम मोमिन आने वाले थे तो हमको आज भुलाने वाले कौन है, यही तो इबलिस है, यही तो अजाजिल है, इसलिए पहले आदम को सेजदा करने नहीं दिया। बाकी कोई अपना बुरा नहीं चाहते, सब कोई अपना भला चाहते, लेकिन यहाँ अजाजिल ने सेजदा नहीं किया आदम को और भुलावे में डाल दिया। सेजदा सब जिमी पर किया ऊपर खुदाए, देखो अजाजिल ने सब जगह सेजदा किया, दो अंगुली जमीन भी नहीं छोड़ी थी, लेकिन यहाँ क्या बोला आदम के चरणों में सेजदा नहीं किया। तो ये आपको ये समझाने के लिए एक दृष्टांत बताया कि वैसे नहीं भूलते, लेकिन मैंने अभी बताया सुंदर साथ जी कि इस संसार के लेकर को भी बताऊं कि भुलावे में डालने वाले कौन थे, राज्जी महाराज का हुक्म ही था और उसमें तो विस्तार से बताया गया है, लेकिन मैं इतना तो अभी नहीं कह पाऊँगी क्योंकि आज संसार की पूरी बात है। इसी बात पर मैंने बहुत बार विस्तार से चर्चा ले ली है कि इस संसार में कोई साकार की भक्ति करते, कोई निराकार की भक्ति करते, लेकिन साकार निराकार से परे, साकार निराकार से परे संसार के कोई जीव ये निराकार की पाल को उल्लंघकर कोई नहीं गए कि अक्षर कौन है और अक्षरातीत कौन है। लेकिन वेद का मूल प्रतिपाद विषय तो अक्षर और अक्षरातीत है, मैंने पहले बात सूरत में रखी थी विस्तार से, ठीक है, तो यहाँ मैं विस्तार से इसलिए नहीं रख रही हूँ। तो इन लोगों को क्या पहचान करवाई कि संसार के जीव भी ऐसे ही भक्ति करते हैं, कैसी साकार निराकार जड़ मूर्तियों से आगे नहीं गए है। तो मतलब दो उंगुली जमीन, आसमान लो, जल लियो, थल लियो या आकाश लियो, सब में सूक्ष्म जीव जंतु लो, प्राणी लो या मनुष्य लियो, जो जल थल सब चीज देख लो, तो वहीं पर इबलिस का वास है, मतलब सबके अंदर अजाजिल का जीव है और मन रूपी इबलिस की शक्ति भी है। तो यहाँ यही बताया, तो ये लोग एक परब्रह्म की पहचान कभी भी नहीं कर पाए, कौन ये संसार के जड़ पूजा करने वाले, साकार निराकार को मानने वाले। तो ऐसे ही अजाजिल के जीव और इबलिस की शक्ति इन दरबारी लोगों के अंदर बैठी थी। तो एक कुरान के प्रमाण के माध्यम से समझाया, इसीलिए ये
सेजदा आदम के चरणों में नहीं किया। और अंतिम बताया कि विचार देखो दिल में, कौन आदम बिना ससुल सेजदा ना किया, किन्ने किन्ने न भानिया ये सुल। तो आप ये विचार कीजिए, देखिए कि औरंगजेब बादशाह में, बादशाह के दरबार में संदेश देने के लिए प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी आ चुके हैं। ये संदेश देने वाले हमारे मोमिन तो थे, और आदम कौन थे? प्राणनाथ जी थे। और उसके संदेश ठुकराने वाले कौन थे? इब्लिस की शक्ति और अजाजिल रूपी जीव था। तो ये आदम के चरणों में सेजदा नहीं किया। और महामती कहे मोमिनो, ये बीतक शरीयत हुई श्याह मुँह शर्मिंदे हुआ दौर क्यामत। यहाँ बताया कि महामती कहे मोमिनो, हे सुंदर साथ जी, जब तुम क्यामत संबंधी जब संदेश देने के लिए गए, शरीयत के विरुद्ध, सरा तोरा के विरुद्ध आप युद्ध करने के लिए गए, और हुई श्याम शर्मिंदे, और इन लोगों का मुंह शर्म शर्मिंदगी के कारण, क्योंकि अभी हमने देखा ने कि शेख इस्लाम काजी ने स्वीकार तो कर लिया लेकिन फिर ढक दिया, तो मुंह तो तभी काला हो गया कि नहीं, वो लोग कहने के लिए आए, वो संदेश तो सत्य ही है लेकिन अभी ढक के रखना है। तो इस चौपाई में ये बताया कि उसका मुख लज्जा से काला पड़ गया। तो तुमने इस शरीयत के विरुद्ध क्या क्या युद्ध किया, ये हमने कुरान के अंदर जो साक्षियाँ लिखी गई थी, ये सब साक्षियाँ हमने देखी। और आगे बड़ी पत्री धामधनी शुरू करते, आप ध्यान से सुनिए। बड़ी पत्री, एक सुंदर सा जी छोटी पत्री है, एक बड़ी पत्री और एक छोटी पत्री। बड़ी पत्री है 151 चौपाई की और छोटी पत्री है 88 चौपाई की, ठीक है। तो बड़ी पत्री जो है उसमें श्रीराज जी ने, धामधनी ने लालदासी के धाम दिल में बैठकर पांचों शक्तियां जो विराजमान हुई, और अपने महामती अपने स्वरों में इस पत्री के माध्यम से जब श्री जी क्या संदेश देना चाहते हैं, ये चौपाई एक हम पढ़ के आगे चले। अब कहो मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत, भैया कसाला मोमिनों पर साबित करने क्या मत। यहाँ महामती अपने स्वरों में कह रही है कि अब मैं उसी घटनाक्रम का, उसी प्रसंग की चर्चा करने जा रही हूँ। हे सुंदर साथ जी, आप सुनिए। कैसे सुनिए? आत्मा के कानों से, क्योंकि इन मोमिनों ने क्या कुर्बानी की है। तुम तो सिर्फ सुन के शांति से बैठ जाते हो, सुन के आपको भी इसी राह पर धर्म युद्ध के लिए चलना है। कैसा? आज भी संसार में ऐसे ही कर्मकांडी लोग, ऐसे ही मत पंथों में बिखरे हुए लोग, एक परमात्मा के नाम पर हजारों की करोड़ों की देवी देवताओं की पूजा भक्ति कर रहे हैं, उसको तुमको भी आज एक परब्रह्म अक्षरातीत का संदेश देना है, इसलिए तुम भी सुनिए। तभी वो लड़ाई थी औरंगजेब बादशाह के दरबार की, आज की क्या लड़ाई है, ये धामधनी इस प्रसंग के माध्यम से बताया कि अब मैं इस प्रसंग की चर्चा करने के, शरीयत के विरुद्ध जब सुंदर साथ, राजीव बेटा यहाँ ध्यान रखो, मैं क्या बोला ध्यान में आया आपको? बच्चों सब यहाँ ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ क्या बताया? अब मैं इस घटनाक्रम की चर्चा शुरू करने जा रही हूँ कि जब शरीयत के विरुद्ध सुंदर साथ ने जब युद्ध किया, और सुंदर साथ जब शरीयत के बादशाह औरंगजेब बादशाह के क्यामत जाहिर होने का संदेश देने के लिए जब पहुँचे, तब वहाँ उन दरबारी लोगों ने कैसे हमारे मोमिनों पर अत्याचार ढाया, जुल्म गुजारा और प्रताड़ित किया। ये पत्र जब कांजी भाई और शेख बदल के माध्यम से श्री जी तक पहुँचते हैं, तो श्री जी एक बड़ी पत्री लिखकर क्या क्या सुंदर साथ को सांत्वना देते हैं, कैसे एकजुट बनकर रहने का क्या संदेश देते हैं। इतना नहीं, सुंदर साथ जी आगे एकता एकता और संगठन
बना के रहना है, तभी आगे का काम बनेगा। और कैसे कैसे वहाँ रहना है, ये सब धामधनी 151 चौपाई की पत्री के माध्यम से विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ हमने पहली चौपाई सुनी, और पाती लिखी आदि ने करने खातिर जमा मोमिन, सिखापन सब विध की सुनियो दिल मोमिन। हे सुंदर साथ की साथ जी, प्राणनाथ जी, श्री जी साहेब जी, जब ये पाती लिख कर कांजीबाई और शेख बदल के माध्यम से मोमिनों तक पहुंचाई, और क्या लिखा, ये पाती लिखी दिल्ली में ने थे खेद में हम, तीन बखत ले आया कांजी बदल हुकम। जब श्री जी ने कामा पहाड़ी से पाती ये पत्र लिखा, और जब ध्यान से सुनिए किस प्रसंग का, किस स्थान का वर्णन हो रहा है, इसलिए तो मैं दो बार दोहरा रही हूँ कि श्री जी कामा पहाड़ी से जब पत्र लिखा, फिर ये कांजीबाई और शेख बदल लेके आए। तो शेख बदल तो कैद में थे दिल्ली में, राज दरबार में, कहाँ, औरंगजेब बादशाह की, लेकिन यहाँ शेख बदल भी लेके आए, किसी के, किसके साथ, कांजी भाई के साथ। तो यहाँ सुंदर साथ जी राजी बता रहे कि शेख बदल भाई को जमानत पर कोई कोई बार छुट्टे भी करते होंगे, तो ये भी श्री जी को मिलते होंगे, और वहाँ से फिर कांजी भाई के साथ ये आकर पत्र श्री जी को, श्री जी का पत्र सुंदर साथ को हाथ में दिया। तब लालदासी ने क्या बोला कि जब ये पत्र लेकर आए तब मैं भी कैद में था। 12 मोमिन कैद में थे, कौन कौन से, जिसका नाम मैंने कल बता दिया था। और आगे फिर तीसरी चौपाई में बताया कि उसी समय, ध्यान से, उसी समय हमारी अधूरी विजय प्राप्त हुई। क्योंकि अधूरी विजय क्यों प्राप्त हुई बताया, कि हमारी हिंदू वेशभूषा उतारनी पड़ी। आगे उसका भी जवाब देंगे दामदनी, ध्यान से सुनना इस पत्री को। हमारी हिंदू वेशभूषा उतारनी पड़ी, इसलिए अधूरी विजय लिखी गई। दूसरा, के संदेश देने के लिए जब मोमिन चबूतरा तले खड़े तो रह गए, बादशाह ने देखा, संकेतों में पूछा, अभी हमने पूर्व चर्चा में सुना, लेकिन आसपास की दरबारियों में खटपट शुरू हो गई, तो बादशाह तक ये संदेश नहीं पहुंच पाए। तीसरी, सीधी पोलाद के द्वारा कष्ट कसाला भी झेलना पड़ा, सहन करना पड़ा। चौथी, शेख इस्लाम काजी ने इस संदेश को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अंतिम क्या बोला, मैंने आगे सब कुछ बता दिया है, फिर मैं याद दिला रही हूँ, फिर बोला कि अभी ढक दो, ये जाहिर करना नहीं है, समय आए स्वतः जाहिर हो जाएगा। तो यहाँ प्राणनाथ जी ने क्या लिखा कि भाई हम गए तो सही, लेकिन उसी समय अधूरी विजय हुई। और आगे श्री जी अपने हाथों से पत्र लिखा, इतना नहीं, और आगे अपने लिखे कलाम तीन की नकल के तो सुनियो मोमिनो, तुम क्या बताए, हस्ताक्षर भी अपने हाथों से, जैसे कोई पत्र लिखने बाद मोहर लगा देते ना, ऐसे ही श्री जी ने अपने हाथों से हस्ताक्षर किया, पत्र लिखा, और पत्र में जो घटनाक्रम वर्णित किया गया है, ये क्या किया गया है, आगे की चौपाई में हम सुने कि मेरे प्राण के प्रीतम। सुंदरसा जी ध्यान से सुनिए, अभी पत्री शुरू हुई, सिर्फ हम राज्य को नहीं रोज बोलते हैं, मेरे प्राण के प्रीतम, मेरी आत्म के आधार, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के उस्तवार, मेरे जीव के आधार, या प्राणेश, या प्राण घन, या प्राण वल्लभ, या अक्षरातीत, या श्री राज्य, हम सिर्फ नहीं बोलते हैं। देखो ये पत्री के माध्यम से क्या बताया, कि हमारे धनी इस पत्री के माध्यम से ये बता रहे हैं कि सुंदर साची, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भेद ही नहीं है, हम दोनों एक रस है, एक रूप है, जैसे तुम बोलते हो ना मेरे को, श्री प्राणनाथ निज मूलपति बोलते हो ना,
तो मैं भी आपको बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, तुम मेरे, देखो राज जी मोमिनों को क्या संबोधन कर रहे हैं, किस शब्दों से ये पत्री में जो लिखा है। मैं आज पता नहीं सुबह को पढ़ रही थी तो अंदर से इतना, मतलब इतनी पीड़ा हो रही थी कि धाम धनी हमको प्राणों को, प्राणों का प्रीतम कहा, क्या हमारे बिना भी धनी का जो जीवन, वहाँ जीवन नाम की वो नहीं है, परम धाम तो पूर्ण है, वहाँ कोई समय की मर्यादा, उम्र की कोई अवधि वहाँ नहीं है। मतलब कहने का भाव कि वहाँ भी राज जी बोलते कि तुम मेरे प्राण के प्रीतम हो, जीवन के आधार हो। मतलब ये शरीर चल रहा है उसके अंदर जीव है, इसलिए शरीर एक्टिव है, क्रियाशील है। जीव निकल जाएगा तो शरीर कैसा बन जाएगा, नीचेतन, ठीक है, बॉडी मतलब मर जाएगा ना ये शरीर, तब उसके अंदर कोई चेतनता रहेगी नहीं। तो ये राज जी ने क्या बताया कि तुम मेरे प्राण हो, मतलब तुम मेरे अंदर से जब अलग हो जाती ने तो तुम्हारे बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैंने कल बताया था ना, तुम मेरे से एक क्षण भी उधर की ओर नजर करो ने तो मैं रह नहीं पाता, तेरे बिना मैं एक क्षण भी रह नहीं पाता। तो यहां भी बताया तुम मेरे प्राण के प्रीतम, मेरी आत्मा के आधार हो। इतना नहीं, मेरे प्रेम में भींजे हुए, मतलब मेरे इश्क में रंगे हुए हे सुंदर साथ, मैं तुमको पत्री के माध्यम से क्या आगे और तुमको सावधान कर रहा हूँ। सुनिए सुंदर साथ जी, जिन लज्जा विराट बांधिया, मैं चौपाई नहीं बोलूँगी, सिर्फ भाव रखती जाऊँगी कि भाई संसार के अंदर आज संसार के जीवों ने जो अपनी लज्जा मर्यादा ये सब बांध के रखी है ने, सब पूरा विराट संसार तो लज्जा मर्यादा से ही तो बंधा हुआ है। तुमने तो क्या किया, तुमने क्या किया इस लज्जा को, इस मर्यादा को, ये सब बंधन को आपने तोड़ दिया है। मैं आज 3 दिन से बता रही, इसलिए विस्तार से चर्चा नहीं करती हूँ कि तुम तो बिना सिर के, मतलब हर क्षण ये धर्म की राह पर, दीन इस्लाम की राह पर मर फिटने के लिए तैयार हो गए हो, और संसार तो इसी चीजों में बंधा हुआ है जिसने आपने पहले से अपने के चरण के नीचे दबा के रखी है। मैं बताऊँ और आगे, मान लो संसार इस माया के तुच्छ चीजों को एकत्रित करने के लिए हर पल मर फिरता है ना, इसमें हम भी आ गए, शामिल हो गए। एक परिवार को चार, एक परिवार में एक आदमी चार रिश्ते को पालने के लिए दिन रात मर फिरते हैं, ठीक है, एक चार परिवार के लिए तो मर फिरते हैं, जितनी भी धन जायदाद एकत्रित करते हैं परिवार के लिए तो करते हैं, यहाँ क्या बताया। और अंतिम वो सब छोड़कर वो चला जाता, साथ में एक फूटी कोड़ी भी साथ में नहीं जाती, ठीक है। तो जिसने संसार के जीवों ने जो पूरा जीवन इस तुच्छ धन संपत्ति एकत्रित करने में लगाया, वो माया ने तो आप, वो माया तो आपने पैरों तले रौंद के रखी है, दबा के रखी है। देखो तो मोमिनों की अवस्था किस स्तर पर पहुंची है। और आगे की चौपाई में बताया कि आप बा निशंक डारिया मेरे साथ सब शोभा जोग। इतना नहीं, आपने अपना मैं खुदी अहंकार का जो बंधन है, ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये मैं करूंगी, ये मेरे से होगा, मैं नहीं होगी तो इस संसार में कोई काम होगा ही नहीं। सुंदर सा जी, ये मैं करत मैं मरत नहीं, और मैं को मारना हो तो ये वाणी रूपी तातम ज्ञान से ही मैं मरेगी। यहाँ क्या बताया कि जब तुम नहीं थे ने तभी भी ये संसार चलता था, अभी भी चल रहा है, और हम नहीं होगे ने तभी भी ये संसार चलेगा। यहाँ बताया ये मैं को भी तुमने मार दिया। इतना नहीं, हे सुंदर साथ जी, तुम सब सुंदर साथ में शोभा योग्य हो। सोई सुहागिन धाम में, ध्यान से, सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन
तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। यहाँ क्या बताया, ध्यान से सुनिए इस चर्चा को। सोई सुहागिन धाम में वही ब्रह्मात्मा की, वही सुंदर साथ की शोभा परम धाम में प्रशंसा सिफत बखान वही मोमिन का होगा, उसकी वहाँ इतनी बड़ी शोभा होगी। कौन मोमिन की? तो बताया कि जो मोमिन यहाँ आके एक बार पता चल गया कि मेरे धनी की राह पर बस मैंने पूर्ण पहचान कर ली है, तो मेरे को बस निकलना है, मर फिटना है। इतना नहीं, आके पहचान के बाद अपने धनी को संसार में जाहिर करने लगी और यहाँ बैठे बैठे विरह की अग्नि में अपने को तपाकर प्रेम की राह पर चलकर धनी को साक्षात कर लिया, दीदार कर लिया। वही मोमिन की सिफत, सोई सुहागिन धाम में और वही मोमिन की शोभा वहां गाई जाएगी। और ये भी यही जुबान से नहीं जुठी, ये तो परम धाम की जुबान से। जो प्रेम वाला स्वरूप, हमारा आत्मा का जो प्रेमी स्वरूप है, वही जुबान से गाई जाएगी, आत्मिक भाषा से गाई जाएगी। ये जुठी जुबान से मोमिनों की सिफत, इत भी धंधन और उत भी धंधन। और इतना नहीं, उसने बताया कि जो और मोमिन पीछे चलने वाले हैं, उसने भी तुमने ये कदम चल के दिखाया है। इतना नहीं, और एक दूसरे से तुम बढ़कर हो, मतलब मान लो लालदास ही है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं शेख बदल से और आगे चलूं गुरबानी में, और शेख बदल को लगता है कि चलो मैं चंचल जी से और आगे चलूं, चंचल जी को लगता है कि नहीं मैं गंगाराम से और गुरबानी में आगे चलूं, और एक गंगाराम को लगता है कि मैं भीम भाई से और आगे चलूं, भीम भाई को लगता है कि मैं बनारसी से और आगे चलो, उसको लगता है कि मैं चिंतामणि से और आगे चलो। तो ऐसे मुला कायम जो जो नाम मेरे अभी मैंने नहीं दिए, तो एक से बढ़कर एक। हमारे अंदर कभी अभी ऐसी होड मची बेटा, ऐसी होड कभी मची हमारे बीच में कि एक मोमिन एक सुंदर साथ वाणी बीतक परमधाम की 25 पक्षी चर्चनी लो या चितवनी या ज्ञान की राह पर जो आगे बढ़ रही, चलो मैं भी इतने समय हो गए तारतम लिए हुए, तो मैं तो वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाई हूँ, तो मैं भी कुछ करूँ, चलो मैं भी होड़ लगाऊँ कि मैं भी वहाँ पीछे आते। जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग, जो पीछे थे वो भी पहुँच कहाँ गए, वहाँ। तो यहाँ होड़ मची है और आगे जो 12 मोमिनों का नाम लेके धाम धनी ने ये प्रकरण के माध्यम से कि हे चंचल जी, हे बनारसी, हे गंगाराम, हे दयाराम, हे शेख बदल, हे मुल्ला कायम और हे लालदासी, हे चिंतामणि, हे भीम भाई, हे नागजी भाई, हे सोमजी भाई, हे खंभात के सोमजी भाई और बुंदेलखंड के खिमाई भाई, 12 मोमिनों का नाम लिया फिर चौपाइयों के माध्यम से। और आगे बताया कि इंद्रावती की वासना का लिखे में कोटान कोट प्रणाम। यहाँ इंद्रावती की आत्मा क्या बताती है कि हे 12 मोमिन, मैं आपके चरण में मतलब ये पत्र लिखकर कोटान कोट प्रणाम करती हूँ। और हम वो पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे उसमें भी बोलते हैं ना, हम सी इंद्रावती लागी चरणे बोलते हैं ना, तब इंद्रावती तो तब बात तो वहाँ की है, गुम्मट जी वाली है, मतलब बंगला जी दरबार वाली है। जब सोब सुंदर साथ श्री जी को जब अक्षरातीत के रूप में मानकर पहचान कर आरती उतारते बंगला जी में, और इंद्रावती स्वयं अपने धाम दिल में बैठे हुए स्वरूप को क्या बोलती है कि हे इंद्रावती बोलती कि हे धाम धनी, मैं आपके स्वरूप की आरती उतारी, मतलब आपके चरणों में मैं समर्पित हो रही हूँ। तब बोले कि इंद्रावती लागी चरणे, तो यहाँ भी इंद्रावती बोले कि मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम। और आगे
पर भाई ये काम बहुत बड़ा तुम जान, जो दिन जिन भात लिखा सो तेती होई पहचान। सुंदर साची तुमको ऐसा लगेगा, श्री जी ने पत्र में बहुत सी मतलब बातें लिखी, उसमें अलग अलग बातों से समझाया या क्या बताया कि तुम्हारे दिल में ऐसा लगता होगा कि ये काम बहुत कठिन है। देखो ने इतने संदेश दिए तो भी मोमिन क्यों नहीं जग रही है, क्यों नहीं जग रही है। लेकिन राची ने दूसरे चरण में बता दिया कि अरे ये काम इतना कोई सरल नहीं है, तुमने बहुत बड़ा काम किया इस संसार में। ये कोई राम का संदेश नहीं है, ये कोई कृष्ण का संदेश नहीं है, ये कोई भगवान शिव का संदेश नहीं है। अरे तुमने तो अक्षरातीत को जाहिर किया है। बोलो से प्राणना क्या लिखा, अजू बांसिया नहीं तुम दिल, मतलब तुम्हारे दिल में अभी ये पहचान नहीं बनी है कि तुमने कितना बड़ा गरिमामय, बहुत अधिक गरिमामय काम किया है। तो ये सुंदर साजी तुम्हारी दृष्टि में अभी ये कम लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये ब्रह्म ज्ञान पूरे संसार में जब फैल जाएगा तो तुम्हारी कितनी महिमा गाई जाएगी। ये लोग तो बोलेंगे ना संसार के कि कोई मोमिन आए थे, ब्रह्मात्मा मुस्लिम हो गए तो मोमिन बोलेंगे कि कोई मोमिन आए थे, हिंदू हो गए तो क्या बोलेंगे, कोई ब्रह्मात्मा ब्रह्म की आत्मा ये आई थी, देखो उसने इस संसार में ये संदेश को जाहिर किया। तो यहाँ बताया कि तुम्हारा दिल में ये नहीं भांसिया, और आगे भी बताया कि अभी तक आप छिप छिप कर रहते थे, कहाँ, औरंगजेब बादशाह के दरबार में डरते डरते जाते थे ना संदेश देने के लिए। अभी श्री जी ने बताया अब तो तुम खुले हो गए हो, किसी का डर नहीं है, तो ये आपको डरने की कोई माया के जीवों से कोई डरने की जरूरत भी नहीं है। अब तो तुम्हारा तेज, ध्यान से सुनिए, अब तो तुम्हारा तेज दिन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, और वो जो अज्ञानी लोग है जिसने संदेश को ठुकराया वो लोग का नूर तेज उसके अंदर है ही नहीं, उसकी रोशनी पल पल नीचे गिरती जाएगी, अंदर बल है ही नहीं तो फिर गिरने की क्या बात। लेकिन तुम्हारा तेज तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, और तुम्हारी ज्ञान की आभा से पूरे संसार में ये ज्योत फैलेगी। तो तुम डरो नहीं किसी से, दष्ट दज्जाल की बाहर तुमको दृष्ट अंदर, क्या बताया, संसार के जीवों को तो एक बाहरी नजर है, तुम्हारे अंदर तो मैंने अनंत लोचन दिए हैं, आत्मा की अनंत चक्षु दी है, तो तुमको किसका डर। राजी इस पत्री के माध्यम से क्या क्या समझा रहे, तुम ऊपर उतरा असराफिल, देखो तुम्हारे अंदर तो मैंने बेफरिश्ते असराफिल जबराइल दो भेज दिया, अमर निगे वानी कीजियो मेरे खासे बंदो, पर मैंने दो फरिश्ता वकीलाती करने के लिए कैसे हमारे अंदर बैठ के वो दोनों जबराइल का जोश और अशराफिल की बुद्धि क्या कर रहे हैं कि जब हम माया की ओर जाए ने तब रोकने का काम कौन करते हैं, अशराफिल की कहते हैं कि भाई ये संसार की और आप क्यों जा रहे हो, या धनी के वचन गवाए जा रहे हैं, आप ये सुनिए। और जोश भी वकीलात का सत्य असत्यता पटंतर हो करता है। तो यहाँ राजी ने बोला कि तुम्हारे अंदर अशराफिल की बुद्धि और जबराइल के जोश। सुंदर साहब ये किसकी चर्चा हो रही है, बीच बीच में फिर मैं पूछती भी जाऊँ क्योंकि आज मंजिल को थोड़ा पूरा करना है, फिर रोज में ऐसे ही थोड़ा चलती रहूँगी तो फिर ये समय की मर्यादा के साथ चलना पड़ता है, तो मैं तो भी बीच बीच में रुक रुक के आपको समझाने की कोशिश तो कर ही रही हूँ। और आगे धमनी ने बताया कि लड़ाई दज्जाल की जो पहली सुअर की चोट, मतलब ये संसार के जीवों के सामने पहले आपको सीधे नहीं लड़ना है, सुअर की चोट मतलब सुअर जो भुंड होता ने उसकी जो संध होती नली होती तो गले में एक की हड्डी होती है, पहले हम उसकी चोट से बच जाएंगे, फिर जब समय आए तो हम जब सामने प्रहार करेंगे
तो अपनी गर्दन को मोड़ पाएगा नहीं, क्योंकि नली में अपने गले में एक ही हड्डी है, तो अपनी गले को मोड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ संसारी जीवों को लेकर बताया कि संसारी जीवों के पास ये 14 लोक के अंतर्गत निराकार तक का ज्ञान है, उसी के पास कुछ नहीं है। पहले उसका सुनो, क्या बताया, पहले उसका श्री जी ने हरजी व्यास का सुना था 2 महीने तक, कहाँ, जूनागढ़ में, ठीक है। तो यहाँ दूसरी चौपाई में बताया कि तुम मेरे को याद करो श्री जी के, मैं हरजी व्यास का 2 महीने तक सुना, फिर जब समय आया तो मैंने क्या किया, उस पर प्रहार किया ने, कि जो तुम 84 लाख योजन वाला हीरे के मंदिर की बात कर रहे हो, वो कहाँ पर है वो ठिकाना। तब उसके पास कोई जवाब नहीं था, थोड़ी देर के लिए बोला आदिनारायण का है, फिर बोले अक्षर ब्रह्म का है, फिर बोले आदि, गिर गए, क्योंकि उसके पास नारायण से आगे की पहुंच ही नहीं है। तो यहाँ दाबातुल अरज का मजकूर लिखा अल्ले सलाम, तहा छाती लिखी शेर की, सिंह पहाड़ी बेलेष्ठाम। तो सुंदर साहब जी, मैंने 7 निशानों में ये बता दिया था, ठीक है, उसमें पहाड़ी बेल का हम एक ले ले, क्योंकि राज जी यहाँ बता रहे हैं कि दाबातुल अर्ज जो जानवर होता है उसका मैंने पेटा निशान भी बताया था कि गिद्धड़ की पीठ, शेर की छाती, सुअर की दृष्टि और हाथी के कान, और यहाँ पहाड़ी बेल के सिंग बताए, जो जानवर जैसी वृत्तियाँ होगी और आदमी का मुख होगा, आकार आदमी का होगा, तो क्या पहाड़ी बेल के कैसे लक्षण होते हैं। जब जंगल में पहाड़ी बेल इधर उधर भटकते, शाम तक ये झाड़ियों से अपने सिंग को खुजला कर झाड़ियों की डालियों को क्षतिग्रस्त करता रहता है, शाम तक कोई ना मिले ने कोई जानवर जगड़ने के लिए, तो अंतिम जाके झाड़ के साथ भी अपना माथा खुजलाएगा ही खुजलाएगा। तो ऐसे क्यामत के समय ऐसे मनुष्य के अंदर की वृत्तियाँ होगी कि शाम तक कोई जगड़ने के लिए नहीं मिलेगा, तो अंतिम आसपास के पड़ोसी लोग के साथ कोई बहाने के माध्यम से भी झगड़ लेगा। ऐसे झगड़ालू लोग क्यामत के समय में आएंगे। राज जी ने कोई तभी की बात थोड़ी की है, आज की भी समझा रहे, और पीठ गिदड़ की ये सब मैंने आपको समझा दिया है। पहले इनके रुचता तुम नाचियो, तुम पहले उनका रुचता नाचियो। किसके दरबार में बैठे हो, औरंगजेब बादशाह के दरबार में, तो जैसे बाजा बजे उसी के अनुसार नीरत कीजिए, मतलब वहाँ का जैसा माहौल है, वातावरण है, उसी के अनुसार आप वहाँ रहिए। इनके वो इस बस करो, बस एना बनी ने किसका, बादशाह का बनकर जब आप रहोगे, जी हजूर जी साहेब करते रहोगे, तो एक दिन वो अपना बनेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो भाव प्रकट होगा। तो आगे राज जी ने, पीछे तो तुम बुद्धवान हो, मैं कितना आपको सिखापन दूँ, राज जी ने बोला, मैं आपको कितना सिखापन दूँ, वैसे तो तुम वची खीन हो, होशियार हो, चतुर हो, आप अपनी सेवा में होशियार रही हो। कैसे कि जैसे, मतलब जैसा बुजुर्ग साहेब, ऐसी साहेबी भी उसकी बुजुर्ग की होती है, वैसे तुम जितना बड़ा संदेश लेकर गए हो, इतना बड़ा बनकर वहाँ रहना है, मतलब ढीले ढाले या अपना कोई नीचा नहीं दिखाना है। और जो खैरात बादशाह लेते हैं फकीर, फिर बताया कि कदाचित बादशाह या उसके दरबारी के द्वारा पूछा जाए तो भोजन के लिए, अन्य कुछ चीज़ के लिए, तो आप क्या बोलना, कि जैसे आपके दरबार में कोई फकीर आते और उसको जो आप दान दक्षिणा के रूप में देते हो, बस इतना ही हमको खाने पीने की जो ज़रूरत पड़ेगी उतने हिसाब से आप दे दो, तो भी हमारा चल पाएगा, तो आप बस उसके अधीन बन के ही रहना है, ऐसे ही गुजरान आपका चलाना है। और आगे बताया, खाने पेट पीने पेट माफक, देखो ये किसको राजी सिखापन दे रहे, तभी दिया है आज हमको भी दे रहे, खाने पीना पेट माफक। हे सुंदर साची, तुम्हारे पेट माफक मतलब जितना खुराक जो खा रहे हो ने, वो भी एक मात्रा में, पेट माफक मतलब जितना आपको
जरूरी है, इतना ही वहाँ खाना है। और मुल्ला पटावड़ी जो कदाचित ये दरबारी लोग पूछेगा कुछ भी, तो एक बोल देना कि आपके लाइब्रेरी से आप ऐसा करो कोई किताब भी दे दो, या कोई मुल्ला इस हदीस या कुरान पर पढ़कर हमको ये घटनाक्रम को सुनाए, आप ये मांग कर लेना। देखो श्री जी कैसे कैसे सिखापन दे रहे, और इनका रुचता नाचियो रिजायो भली भांत, इतनी अरज कीजियो बात कहे एकांत। ऐसे आप बादशाह के दरबार में रहना है, और जब आपको कई बार एकांत मिल जाए तो आप अपनी बात अवश्य चौकस वहाँ रख देना, बाकी आप बहुत देखभाल करके रहना है। जब कहे कहो तुम तब काजी हजरत, तीन से तुम यही कहो बात सुना रहो हमारी एकांत। आप जब उस उन लोगों को बुलाओ तो काजी हजरत ऐसे करके बुलाना है। देखो धामधनी क्या क्या सिखापन इस पत्र के माध्यम से दे रहे, और जो तुम जाहरी खिलाने लगो गोश्त उन्हें, और बीच में ये भी बताया इन मोमिनों ने, श्री जी ने बोला कि तुम इन लोगों के अधिकारी को ये भी बोलना कि भाई हमारा कोई हिंदू आएगा यहाँ, ध्यान से, हमारा कोई हिंदू यहाँ आएगा तो हम उसको भी यहाँ साथ में रखेंगे, खाने पीने भी हम साथ में ही सुविधा कर देंगे, तो वो भी अपना दिल पवित्र करके क्या करेंगे, आपका कलमा पढ़ेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके पैगंबर पर वो विश्वास लाएंगे। लेकिन आप ये बंद करो, क्या क्या आप एक अपने अहंकार के बल पर और जबरदस्ती से ये गाय का मांस खिलाकर और डरे डर घबरा कर, मतलब डर और धमका कर आप जो उसको ये मांस खिलाएंगे तो ये लोग ऐसे दूर हट जाएंगे, आपके नज़दीक नहीं आएंगे, तो आप इतना बोल देना कि आप ये मत करो, ये हमारे हिंदू को हम समझा देंगे, ये भी आप मोहम्मद साहब का आपका कलमा बोलेंगे। तो और आगे भी धामधनी ने बताया कि जो फुरमाया रसूल का सिर चढ़ाते तब हमारा साथ बहुत है आवे दौड़ के सब। तो यहाँ बताया कि जो रसूल साहिब ने बताया है कुरान में उसी के अनुसार हिंदू भी ये कलमा को मानेंगे, क्योंकि जो ला इल्ला इन इल्ला कलमा में कहा गया है, यही तो वेद ग्रंथ में क्षर अक्षर और अक्षरातीत कहा गया है, तो ये सब एक रस हो जाएंगे, ये भी आपकी बात को मानेंगे। खुद को पूछ के काजी मनावे तुम्हारा मन, तुम जानो त्यो समझाओ जो दाखिल होवे इन। और शेख काजी इस्लाम स्वयं पूछकर आप लोगों से कदाचित बातचीत करना मांगे तो आप ऐसा करना, ये हमारा तारतम ज्ञान इंद इल्म लंदुनी से, मतलब ये तारतम वाणी से आप दोनों का मिलान, वेद क्या कहता है कतेब क्या कहता है, ये दोनों का मिलान कर आप समझाना। जोर से कीजिए मुसलमान तो साफ ना हुए दिल इन। फिर क्या बताया हमारे मोमिनों ने कि आप जबरदस्ती से डर बताकर और मांस खिलाकर आप जो ऐसी ही राह अपनाते रहेंगे, आपका तरीका यही रहेगा, तो ये लोग हिंदू भी नहीं मानेंगे। जो हम आज अंदर इच्छा लेके बैठे हैं कि नहीं हिंदू भी ये कलमा को मानेंगे, लेकिन आपका तरीका आपका ढंग अलग है, तो आप अपनी राह को बदल दीजिए। और बहुत कह के मताता जानो तुम, थोड़ा थोड़ा कहियो फिर लिख कर भेजे हम। इसलिए इसने बताया कि जो जिज्ञासु लोग, मतलब जो जानने की इच्छा करने वाले लोग तुम्हारे सामने आए, तो उसको एक साथ क्या बताया, एक साथ सब एक साथ नहीं समझा देना, उसको भी धीरे धीरे समझाना। क्या बताया कि आप धीरे धीरे समझाना, इसलिए वो आत्मसात कर पाएगा और आपकी बातों पर वो ईमान भी लाएगा। और हिंदू के भेष से हो ही नहीं है काम, इन भेषों मजलिस प्रतीत न होवे स्थाम। और हिंदू भेष में ये मुस्लिम लोग नहीं माने, तो यहाँ क्या बताया
कि ये काम नहीं होने वाला था, तो तुमने आज मुस्लिम वेशभूषा भी धारण कर ली और ऐसे कट्टर अनुयायी के साथ तुम लड़े। फिर श्री जी मोमिनों को भी बोल रहे हैं एक की ओर, फिर मोमिन बादशाह के दरबारियों के साथ कैसे बातचीत करे वो भी श्री जी साथ में समझा रहे हैं। और आगे क्या बताया फिर कि तुम हिंदुओं के भेष के जिन करो शरम, पहले तुम सिर भानिया शरम का तुम जानत हो ये मरम। कदाचित तुम्हारे सामने कोई हिंदू आए और हिंदू को देखकर तुम शरम से लज्जित मत हो, क्योंकि तुम चोखा सामने जवाब दे देना। क्या जवाब देना? कि भले हमने वेशभूषा बदली लेकिन हमने संदेश अक्षरा तित का पहुंचाया है, तो इन हिंदुओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम जो एक नारायण तक की बात करते हो और आज हमने जो एक कुरान का पक्ष लेकर समझाने का कोशिश किया है कि नारायण से आगे भी ये मोहम्मद चौथे अरसे अजीम लाहौत तक की बात करते हैं, तो आप हिंदू को भी चोखा बता देना, स्पष्ट बता देना है। कोई तुमको मिले ताए चोखा दीजो जवाब, देखो सब शास्त्रों को क्या लिखा है इनमें बाब। कदाचित हिंदू कदाचित आपको कोई शर्मिंदा करे तो उसको भी आप सीधे ही मुंह पर जवाब दे देना है। आपको कोई शर्म या लज्जा आने की जरूरत नहीं है। तीन कांड वेद वेदांत के वल्भाचार्य के मत, शंकराचार्य ने क्या कहा, क्या गीता में इत ज्ञान कर्म उपासना की जो व्याख्या करने वाले वेद वेदांत थे, सूत्र वल्भाचार्य आदि शंकराचार्य श्रीमद् भागवत गीता की वाणी संदर्भ में क्या है, उसी पर आप चिंतन करिए। किसको बताया? हिंदुओं को, ये मोमिनों को जो श्री जी बता रहे कि तुम अपने हिंदू वाले को आए तो उसको बता देना कि देखो ये सब मतों में भी हमारी क्या बात है। और आगे नबी नारायण की सनंद मारियो मोह पर, तो ये बात भी मैंने अभी समझा दी कि नारायण की पहुंच कहाँ पर है और मोहम्मद साहब की पहुंच कहाँ पर है। अब तो तुम बार हो, तुमको मिल सी 12,000। सुंदर सदी बस 5 मिनट बाकी है, तब तक हम 3-4 चौपाया लेकर ये पत्री को पूरी करें। अब जो तुम बाहर हो तुमको मिल सी 12,000। अभी तो तुम बाहर हो, अभी आने वाले समय में 12,000 मिलेंगे, क्योंकि अभी दिल्ली पहुँचे, पन्ना पहुँचेंगे तब 5,000 की जमात, उसमें 500 जुलजुलाहट, फिर आगे जागनी होती जाएगी। और अब तक ये प्रचार का काम हो रहा है। श्री जी ने तब बोला अभी तो तुम बाहर हो, आगे 12,000 मिलेगी और ताबे तुम्हारे होएगे तुम ही उसी दार। लेकिन सुंदर साची ये सब 12,000 के अनुगामी मतलब पथ प्रदर्शक मार्गदर्शन के रूप में प्रेरणा स्रोत्र के रूप में तुम बाहर हो, क्योंकि तुम हमारी नींव के पत्थर हो, पुखराज के फिल पाए हो या माणिक की नींव के पत्थर हो, चाहे कोई भी इमारत के तुम पाया के पत्थर हो। तुम अपने सुकन को अब जाहिर करो तुम, तो हे मोमिन सुंदर साची अपने सुकन मतलब अपने वचन को जाहिर करो, कहाँ कहाँ गाम गाम देश देश हिंदू मुसलमान कदम तुम्हारे बंदी करके पहचान। अभी तुम गाम ग्राम शहर शहर नगर नगर तुम ये बात को जाहिर करो। और इतना नहीं, तुम जब मेरी बात को, राजी ने वाणी में बोला ने, जो तुम मेरे को जाहिर करेंगे सो तो दिया मैं तुमको, जो खुले नहीं तुम बिना शुद्ध देवो मेरी औरन को तो चले तुम्हारा हुक्म। तो यहाँ इस चौपाई में यही तो बताया कि जब मुसलमान लोग भी तुम्हारा बखान करेंगे मतलब सिफत गाएंगे कि ब्रह्म सृष्टि आई थी हमको संदेश देने के लिए, मोमिन आए थे, वो भी एक दिन आने वाले समय में तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। देखो हमारी कितनी बड़ी महिमा है। और ये विचार तो करें नहीं तो हम और थोड़ जाए के मारेंगे मोर्चा और फिर लड़ाई करें दज्जाल सो। श्री जी अंतिम ये 2-3 चौपाई में बता रहे
कि हे सुंदर साथ जी, आपकी जो अनुमति हो तो मैं आगे और राजाओं को और लोगों को संदेश तू जगाने के लिए, क्योंकि मैं एक जगह बैठा रहूँगा तो मेरा व्यर्थ का समय जा रहा है, आगे जागनी का काम नहीं बढ़ेगा और आपको जागनी में मैं भी सहयोगी नहीं बन पाऊँगा। लेकिन पीछे की चौपाई में ये बता दे, ये विचार तो करे, मतलब ये विचार तो तब करना घटित हो कि ये मुसलमान लोग आपको जो कोई कष्ट दे, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे और जो जोश तुम्हारा देखी तुमको मारे बिना मरे। लेकिन हे सुंदर साची, तुम्हारे अंदर इतना जोश भरा हुआ है कि ये संसारी जीवों को मारना नहीं पड़ेगा, बिना मारे मर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर राज्य का जोश है, असराफिल की बुद्धि भी है। सो तो इस वास्ते सुल्तान ने न दिया खाना, एक नज़र ऊपर की दूजी बात उनकी ना पहचाना। इसलिए ये संसार के जीवों के अंदर क्या है, यहाँ की बुद्धि है और इबलिस अंदर बैठा था अजाजील, इसलिए आदम के चरण में प्रणाम नहीं किया। और अंतिम दो तीन चौपाई में सुंदर शाह जी ये बता दिया कि उन लोगों को, मुसलमानों को क्या डर था कि क्यामत के समय इमाम मेहंदी जब जाहिर हो गए तब मोमिनों के साथ ये काफिरों की लड़ाई होगी, उस एक एक मोमिन 70,000 काफिरों को मारेंगे, उसको ये डर था। लेकिन ये तो जाहिरी उसने उपली उपली बातों को लिया, लेकिन बातूनी मायना क्या था, तो बताया कि एक मनुष्य के अंदर, एक जीव के अंदर 70,000 नाड़ियाँ होती है। ये 70,000 नाड़ियाँ के अंदर जो रक्त प्रवाहित होता है, तो ये रक्त के अंदर मनुष्य की जो इच्छाएँ, वासनाएँ, तृष्णाएँ अंदर प्रवाहित होती रहती है, वो वासनाएँ जब क्यामत के समय इमाम मेहंदी आएंगे तब तारतम ज्ञान के माध्यम से मोमिन ये ज्ञान को पढ़ेगी, फिर विरह की राह में अपने को तपाएगी और प्रेम की राह पर चलकर ध्यान में डूबकर राज्य को पाएगी। तो इस राह को पाने के बाद अंदर का जो विकार है, अवगुण है और वासनाएं, इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। तो उन लोगों ने बाहरी अर्थ लिया और बताया कि घास पानी कुछ नहीं बचेगा, मतलब जब सब एक परब्रह्म की राह पर चल पड़ेंगे तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, अलग अलग आश्रम स्थान है, वो उजाड़ हो जाएंगे, सुनापन आ जाएगा। तो यहाँ बताया कि मनुष्य को अन्न नहीं मिलेगा, दाना नहीं मिलेगा, घास पानी नहीं मिलेगा, मतलब ये सब मंदिर स्थान उजड़ हो जाएंगे। तो इसलिए हे मोमिन, तुम अपने अंदर कोई जात का डर ना रखो, तुम आकले ओय ना उरजियो, काम दुरस्ती से ना होय। इसलिए आकले काम शैतान के ठंडे हक्षे होय। तो तुम इतना उतावले जल्दी का काम मत करो, आप शांति से धैर्यता वाला काम करो, क्योंकि ये तो अक्षरातीत का संदेश देने का काम है। इसलिए तुम बहुत सावधानी पूर्वक वहाँ रहना है, तुम्हारे ऊपर राज्य की छत्र साया है, तुम्हारी ऊपर पल पल मेहर बरस रही है, पर हम ऊर्जे रहेंगे उपराला तुम्हें न सके कर। श्री जी ने अंतिम चौपाई में क्या बोला कि जो मैं यहाँ एक जगह बैठा रहूँगा तो तुम्हारी मदद में नहीं कर पाऊँगा, आपकी अनुमति हो तो मैं आगे जागनी कार्य के लिए निकलूँगा और आपकी मैं देखभाल करता रहूँगा। साची सोई जो होवी हक के दिल में होय, जो हमारा शोर शराबा सुने आँख उनकी तो खुल सोय, और तुमको कहने को होवे इसकी ठोर, तीस वास्ते विचार के सीता पत्री लिखे हो। तो यहाँ अंतिम दो चौपाई में राज जी ने बता दिया कि जागनी संबंधी आपके दिल में हे मोमिन, ये पत्र तो मैंने श्री जी बोले, क्या बोले श्री जी कि हे मोमिन सुंदर साथ जी, मैंने इस बड़ी पत्री में 151 चौपाई के अंदर जो सिखापन दी, जो सांत्वना दी, आपके अंदर मनोबल दृढ़ बना रहे, एकजुट बनकर रहो, इसलिए जो मैंने ये पत्र लिखा है तो आप ये पत्र से आप पढ़कर ये आप विचार करना, और आपस में आपके दिल में जो कोई नई बात जागनी संबंधी उठे तो आप मेरे को
पत्र के माध्यम से बता देना। और मैं आगे जागनी कार्य के लिए निकल रहा हूँ, तो हमारा क्या चलना भैया, तहकी के है महामती कहे मोमिनो और क्यों कहो हकीकत जे, तो हमारा क्या चलता। आगे धनी ने क्या बताया, तो सुंदर साथ जी मूल स्वरूप से राज जी के सामने हमारा कुछ नहीं चलेगा। मूल स्वरूप राज जी ने जो निश्चित किया, जो समय वही समय होगा, जो समय निश्चित किया वही समय ब्रह्मात्माओं की जागनी होगी, वही समय इस संसार का महाप्रलय होगा, वही समय सकुमार और शाकुंडल जगेगी। तो शाकुंडल तो आगे जग जाएगी, लेकिन सकुमार भी तब जगेगी जब मूल स्वरूप ने निश्चित किया है वही समय में। तो इतना कहकर हम इस वाणी को यहाँ विराम दे। बोलिए श्री प्राणनाथ, चौपाई को दोहराए सुंदर साथ जी, तो हमारा क्या चलता, भया ते की कहे हो, महामत कहे ये मोमिनो और कहो हकीकत जे हो, और कहो हकीकत जे हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।